हे नमस्ते भाई लोग, गेमर्स टॉयज से मैं हूं दीपक नागमोती AKA चिकी और आप सबका स्वागत है गपशप विद चिकी एपिसोड 2 में, एनर्जाइज्ड बाय रेड बुल। तो आज जो हमारे गेस्ट है, अगर मैं उनके बारे में इंट्रोडक्शन देने जाऊँ तो शायद मुझे वर्ड्स भी कम पड़ने वाले हैं। ये वही है जिन्होंने PUBG PC जैसे गेम को इंडिया में वायरल करने में और हमारी PC कम्युनिटी को इंडिया में फेमस करने में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया। FPS गेमिंग से इन्होंने उनकी जर्नी चालू की और आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने स्टोरी मोड गेम्स और अदर वैरायटी गेम्स में भी अपना जलवा दिखाया। जस्सी पिंकमैन का कैरेक्टर इनका कोई नहीं भूल सकता, जो इन्होंने GTA रोल प्ले में प्ले किया था। बहुत कम समय में इन्होंने इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में अपना नाम बनाया। मुस्कुराइए आप लखनऊ में है, इस फ्रेज को जिन्होंने हमेशा से सही ठहराया वो हमारे एवर स्माइलिंग इंडिया सबसे फेवरेट वॉरियर सिख वॉरियर। बहुत बहुत स्वागत है सिख पाजी आपका गपशप विद चिकी के सेकंड एपिसोड में। थैंक यू सो मच चिकी भाई, बहुत ही अच्छा लगा आपने हमें अपने इस शो में इनवाइट किया एंड यू नो काफी कुछ लोगों को पता चलेगा इसके थ्रू एंड बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। देखें आपने क्या क्या प्रिपेयर करके रखा है हमसे पूछने के लिए और क्या क्या खोद के आप हमसे पूछोगे, बट हाँ मजा आएगा आज, मजा आएगा। एकदम कैजुअल बातें होगी, यहाँ पे चिल बातें होगी और जो आपकी ऑडियंस है, हमारी ऑडियंस, आपकी ऑडियंस, जो इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के लोग हैं, इनको आज बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में पता चलेगी जो कि जनरली आपके स्ट्रीम में उनको नहीं पता चलती है। तो पहली बात तो मैं TGT की तरफ से पाजी आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने हमारे इनवाइट को एक्सेप्ट किया और आज इस पॉडकास्ट के आप आए। बहुत बहुत शुक्रिया TGT फैमिली की तरफ से पाजी आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपने भी इन्वाइट किया एंड बस आते रहेंगे ऐसे ही, जब भी कोई इन्वाइट करेगा तो ज़रूर ज़रूर। तो पाजी स्टूडियो कैसे लगा पहली बात तो? अरे बहुत सही लग रहा है, मतलब यार बत्ती लगाई हुई है आपने और यहाँ सोफा इतना बढ़िया है, एकदम मुलायम है, कंफर्टेबल हो एकदम, सही है कि नहीं? मैं कंफर्टेबल हूँ बट आप अपना कॉफी पी रहे हो, हमारे लिए रेड बुल है। अरे नहीं सर, हम भी रेड बुल लेके बैठे क्योंकि आज के एपिसोड को एनर्जाइज रखा हुआ है रेड बुल ने, तो 1.5 घंटे तक एनर्जी बनी रहेगी पाजी हमारी। तो चीयर्स आपको भी और गाइस जो ज्वाइन हुए हमें, आप सबको चीयर्स एंड लेट्स एंजॉय एंड लेट्स बिगिन। तो पाजी मैं आपको ऑलमोस्ट 3 साल से देख रहा हूँ, आपको फॉलो कर रहा हूँ बट पता है कि पहले 2 साल तक तो मुझे पता ही नहीं था कि आप पंजाब से नहीं हो। एक होता है ना कि अरे पंजाबी मुंडा है सिख वॉरियर तो यार पंजाब से ही होगा, जैसे मराठी बंदे से बात करता है भाई तुम महाराष्ट्र से है क्या, वो वाली फीलिंग थी। तो ऑलमोस्ट 2 साल के बाद मुझे पता चला कि आप यहाँ से हमारे लखनऊ से हो। तो हाउ लखनऊ हैपन, थोड़ा सा बताइए आपके बचपन के बारे में कि कैसे क्या रहा है? मतलब मैं पहले तो इलाहाबाद से था, मतलब बचपन से, मतलब पैदा हुआ इलाहाबाद में, 18 साल इलाहाबाद में था। हाँ आप नाम सुना होगा, प्रयागराज हो गया इलाहाबाद। सर कैसे सबको पता है सर, वकीलों की सिटी है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है उसके पीछे। हाँ अच्छा, बहुत बहुत वकील और मतलब ऐसा मतलब अच्छा शान शहर है। अभी मैं कुछ ही दिन पहले इलाहाबाद गया था, घूमने गया था, बहुत टाइम बाद गया। सो इलाहाबाद में 18 साल बीते, बोलिए बोलिए। फिर मैं कह रहा था 18 साल इलाहाबाद में बीते और फिर उसके बाद बस ऐसे ही घर वालों का प्लान बना और मतलब उन्होंने कहा चलो भैया लखनऊ शिफ्ट होते हैं, तो लखनऊ आ गए। फिर वहां से 12th के बाद लखनऊ आ गए, फिर यहाँ पर कॉलेज वॉलेज किया, फिर उसके बाद इलाहाबाद की कुछ यादें बताइए। मतलब आप बॉर्न इलाहाबाद में हुए राइट? हाँ हाँ। मैं एक्चुअली पाजी आपको कहूंगा कि मैं तिग्मांशु दिलिया का इंटरव्यू देख रहा था कुछ दिनों पहले, तो वो भी इलाहाबाद से है और अच्छा। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो है डायरेक्टर्स है वो इलाहाबाद के, और इलाहाबाद से जो भी होता है उनकी अपनी कुछ अलग यादें रहती है क्योंकि इलाहाबाद से बाहर निकलने के बाद ही उनको पता चला कि इलाहाबाद कितना प्यारा है, कितनी ओपी सिटी है। तो थोड़ी सी आपकी बचपन की यादें बताइए कि कैसे रही आपकी स्कूलिंग। छोटा स्वीट सिंपल शहर है और मतलब यादें क्या, मतलब भाई ये स्कूल लाइफ सबको याद आती है। अभी मैं हाल ही में गया था, अपने स्कूल विजिट किया तो सारी मेमोरीज याद आ गई, कहाँ पर हम लोग बैठ के खाना खाते थे लंच टाइम पे, क्या शरारतें करते थे, क्या हंसी मजाक होता था। और हाँ मेरा सबसे गेमिंग की शुरुआत ही इलाहाबाद में हुई थी। अच्छा। सो या मैं मतलब एक मुझे गेमिंग का मतलब मल्टीप्लेयर जो गेमिंग होती थी ना, मुझे उसका एम भी नहीं पता था, ठीक है। तो मैं ऐसे ही मतलब काइंड ऑफ नाइन्थ में नहीं, आई थिंक और छोटा था, लाइक सेवेंथ या एट्थ में था मैं। तो सेवेंथ या एट्थ में मैं ऐसे ही घूम रहा था और मेरा एक दोस्त था, वो कहता है कि यार तुम्हें पता है यहाँ पर एक कंप्यूटर कैफे, मतलब साइबर कैफे टाइप था, और उसने मतलब अच्छे पीसी लगवाए हुए थे अपने में, और वहां पर वो गेम खिलाता था। और वहां पर जब उसने कहा चलो आओ चलते देखते हैं, तो मैं गया अपने दोस्त के साथ, बचपन का दोस्त था, स्कूल फ्रेंड नहीं, बचपन गली में रहता था साथ में, सबसे जो क्लोज फ्रेंड होते हैं वो बिल्कुल वही। तो उसके साथ गया अब देखने, और वहां पर देखा तो वहां पर सब लोग क्वेक खेल रहे थे। पता नहीं आप लोगों ने पता है कि नहीं, क्वेक गेम है जिसमें उछल कूद के लेजर और मिसाइल और पता नहीं कौन कौन सी तोपें और हम 90s वालों को क्वेक और हाफ लाइफ पता होगा सबसे पहले, तो वही था। हाँ तो 6-7 में ही था मैं, और वहां पर क्वेक चल रहा था, और मैं भाई हैरान हो गया यार, ये लोग मतलब एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, और मतलब कोई वो नहीं, लैग नहीं, और मतलब एकदम बढ़िया मक्खन चल रहा था। और मतलब मल्टीप्लेयर गेम मैंने पहली बार देखा था उस समय, और मतलब बहुत मजा आया था मुझे देख के। मैं खाली देखने गया था उस टाइम, और फिर उसके बाद मैंने मम्मी से कहा मम्मी 10 रुपए दे दो, जाना है गेम खेलने। तो पहले मम्मी भी हैरान हो गई क्या किसको खेलने जाना है, फिर चलो मिल गए, और फिर मैं गया, ट्राई आउट किया, आधा घंटा होता था, 5-10 रुपए का आधा घंटा होता था, और उतना खत्म भी हो गया, पता भी नहीं चला। मतलब होता है ना कि आप पहली बार जाते हो तो समझने में ही आधा घंटा लग जाता है, और कैसे वो कहता भैया आपका टाइम हो गया चलिए दूसरे को बैठना है। और भैया मैं तो हैरान हो गया, मैं कहा अब भाई अभी तो आया था मैं, अभी तो मजा भी नहीं आया शुरू, और उसने कह दिया उठ जाओ, बहुत दिल पे ऐसा दुख सा हुआ। पैसे उतने ही थे, फिर उठ गए, और फिर उसके बाद उठने के बाद फिर प्लान कर रहे थे कि भैया कब मम्मी से, अब मम्मी से दोबारा भी 10 रुपए नहीं मांग सकते, कहेंगी कल तो गए थे, अब भाई अब अगले हफ्ते, एक हफ्ते से पहले तो मांग नहीं सकते भैया। कोई गेमिंग कोई शौक थोड़ी ना था, गेमिंग कोई मतलब एक होता है ना रईसों वाली चीज है, पैसे उड़ा रहा है, पैसे उड़ा रहा है काइंड ऑफ। तो मतलब आपने खून चख लिया था तभी? हाँ मतलब एक होता है ना, लग गया था वो, कीड़ा सा आ गया था, और फिर उसके बाद मैंने होता था ना स्कूल के लिए पैसे मिलते थे कि चलो भैया स्कूल के बाहर कुछ खाने पीने के लिए ले लिया या ऐसा कुछ, मतलब पॉकेट मनी टाइप, 2 रुपए 4 रुपए जो भी मिले रख लिया, और सेव करके 10 रुपए हो गए। फिर स्कूल के बाद सीधा मैं वहां आ गया साइकिल लेके, और घर गया नहीं, और मम्मी से बोल दिया कि मम्मी दोस्त के घर जा रहा हूँ। और फिर उसके बाद वहां पर बैठे, आधा घंटा पहले ही प्रैक्टिस हो गई थी, इस बार सीधा गेम में घुसे, और मैंने क्वेक खेला नहीं क्योंकि मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा था उसमें। मतलब इन द सेंस, मतलब होता है ना मल्टीप्लेयर तब मजा आता है जब आपके दोस्त वगैरह होते हैं, आपके साथ खेल रहे होते हैं, और जब लैन पे आप ऐसे खेल रहे होते हो। तो मैं GTA Vice City खेलने लग गया, और मैंने पहली बार GTA Vice City खेली थी उस समय। ये ईयर कौन सा रहेगा पाजी, ये ईयर कौन सा रहेगा तकरीबन? ये अराउंड 2006-7 2006 या 5 ऐसे कुछ था। मैं 6 या 7 में था। तो मैं एकदम GTA Vice City खेल के पागल हो गया भाई। मतलब होता है ना कि चीट कोड्स और इतना कुछ था, मतलब उस टाइम की बेस्ट गेम थी, बहुत बेस्ट गेम उस टाइम की। बट पाजी मुझे पता हो कि आप जो ये Vice City की बात कर रहे हो, बट उसके पहले तो वो 8-बिट और 16-बिट तो आ गए थे, तो उसका वो मल्टीप्लेयर नहीं थे ना। हाँ मतलब ये मतलब एक होता है ना ट्रिपल एट, जैसे अभी हमारे साइबरपंक का एक क्रेज है, उस समय GTA Vice City का क्रेज था, वो उस समय का साइबरपंक था, आप समझो। तो ये डेव और ये सब जो छोटी मोटी गेम्स थी ये तो खेली थी, बट जब GTA Vice City खेला ना, ओपन वर्ल्ड गेम, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, कोई गाड़ी चुरा लो, कोई बाइक ले लो, चीट कोड डालो, टैंक आ जाएगा, ये आ जाएगा, भाई साहब मैं पागल हो गया था उस गेम को खेल के। और 10 रुपए और 20 रुपए तो कम पड़ गए थे, मैं घंटों बैठ के खेलना चाहता था, बट वही बात है मम्मी को पता लग जाता था कि मैं वहां बैठा हूँ, और मम्मी आ जाती थी दोस्त के साथ, दोस्त ने भी दिखा दिया था कि आंटी ये देखिए ये कैफे है, यहाँ पर हम लोग आते हैं, तो मम्मी सीधा वहीं आ जाती, घर के पास ही था, मम्मी पैदल आ जाती थी, उसकी मम्मी के साथ दोनों की धुनाई होती थी, और पकड़ के कान पकड़ के ले जाते थे, या उसको उल्टा बोल के भी आते थे कैफे वाले को कि भैया ये अगर दिखे ना अंदर मत आने दीजिएगा, नहीं तो हम आपकी दुकान बंद करवा देंगे, ऐसा धमकी देके आ जाती थी। तो बड़ा मतलब काइंड ऑफ फन था, और मतलब वहां से मतलब ये गेमिंग का कीड़ा सा लग गया। उस टाइम पे CS भी तो था, CS आपने ट्राई नहीं किया था उस टाइम? CS 1.6 उन पीसीज में नहीं था। अच्छा। ये अलग कहानी है 1.6। और बताइए टाइम हमारे पास। ये जो काउंटर स्ट्राइक था इसका कीड़ा मुझे लगा 9th में। अभी 1-2 साल मैंने यही सब गेम्स खेली थी उस कैफे में जाके, वहां पर टॉम ब्रेडर और ये सब मतलब जो होते हैं ना, मतलब पीसी के ट्रिपल ए टाइटल उस समय के, वो खेलते थे हम वहां जाके। फिर उसके बाद आया एक्चुअल मल्टीप्लेयर गेम, मतलब क्वेक वेक भी चलो ठीक था वो उस समय का लैन का था, बट फिर जब मैं, आपको पता नहीं पता होगा कि नहीं, आप कहाँ से हो, आप बचपन में कहाँ से थे आप? मुंबई पता नहीं, हाँ मुंबई में तो बहुत सारे थे। जपैक गेमप्लेक्स नाम था, अच्छा कैफेज थे, जपैक रिलायंस की सब्सिडरी थी जो कि गेमिंग में उतरी थी, जपैक बहुत फेमस था। हाँ हाँ यस पता है। तो जपैक की एक खुद की वेबसाइट थी, मतलब गेमिंग में सबसे बड़ा नाम उस समय का था जपैक, और जपैक ने गेमप्लेक्स खोले थे, हर शहर में गेमप्लेक्स थे, मतलब आप सोचो इलाहाबाद में जपैक ने गेमप्लेक्स खोला था उस समय, मतलब अच्छा ये बात 2008-09 की है। और जपैक गेमप्लेक्स में गया पहली बार, देखा जब इंफ्रास्ट्रक्चर, गेमिंग माउस, गेमिंग मॉनिटर, कीबोर्ड, मैं पागल हो गया, पागल जहर। और वहां पर जब मैंने देखा ना लोगों को काउंटर स्ट्राइक और कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हुए, उस समय वहां पर गेम चलते थे कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 4 और काउंटर स्ट्राइक सोर्स और काउंटर स्ट्राइक 1.6, जब मैंने उनको खेलते हुए देखा मैं कहा भाई मैं पता नहीं कहाँ था अभी तक, मैं भाई पागल हो गया, मुझे खेलना है, मुझे चाहिए। और उनका रिचार्ज था 30 रुपए घंटा, अब भैया वहां पर 10 रुपए एक घंटा या आधा घंटा था पहले वाले में, और इस पे थे 30 रुपए, और भैया पॉकेट मनी और उतनी ही ऑलमोस्ट मिलती थी, ज्यादा कुछ था ही नहीं। अब यहाँ पर भाई महंगा हो गया सीन, तो थोड़ा सा मतलब हमें भी ज्यादा सेविंग करनी पड़ी, ज्यादा झूठ बोलने पड़े घर में ताकि हम अपने दोस्तों के साथ आ पाए। वहां पर मेरे नए दोस्त बने और वहां पर मैं काउंटर स्ट्राइक और एक्चुअल मल्टीप्लेयर गेमिंग की शुरुआत करी। 2009 की बात है ये, वहां से। अच्छा अभी वो दोस्त है मतलब कांटेक्ट में है जो इलाहाबाद? हाँ, अरे मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है जिसके जिसके होटल में मैं रुक के आया, मतलब उसका इलाहाबाद में एक होटल है, तो वो मेरा जो दोस्त है वो वहीं से बना, मतलब गेमप्लेक्स में मेरे सामने वाली टीम में आया था वो। अच्छा। और हम लोग की इतनी अच्छी दोस्ती हो गई उस गेमप्लेक्स में लैन गेमिंग पे कि वी स्टिल टॉक ऑलमोस्ट एवरी डे, एंड हम लोग ने अभी खूब अच्छा टाइम स्पेंड किया जब इलाहाबाद गए थे, और प्लस वो भी लखनऊ आता रहता है, तो अच्छा। बहुत बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। मतलब एक होता है ना जब एक कॉमन ग्राउंड मिल जाता है कि भैया ये कॉमन ग्राउंड है, ये चीजें इसको भी पसंद है, आपको भी पसंद है, फिर वहां से एक यू नो केमिस्ट्री बन जाती है बस। तो पाजी ये तो रहा आपका मल्टीप्लेयर गेमिंग का, बट सबसे पहला डिवाइस कौन सा था, गेमिंग कंसोल कौन सा था घर में जो पापा लेके आए थे? वो पापा नहीं लेके आए थे, मुझे शुरू गिफ्ट मिला था। अच्छा। वो गिफ्ट मिला था मुझे मारियो वाला जो कैसेट वाला वो था, कैसेट वाला 8 बिट वाला वहां से। हाँ तो वो किसी ने मुझे गिफ्ट दिया था, होता है ना बचपन में आपका बर्थडे होता है तो लोग अलग अलग गिफ्ट लेके आते हैं बच्चों के लिए, तो वैसे ही कोई मेरे बर्थडे पे मेरे लिए ले आया था। और भैया जब ले आया तो मम्मी भी अभी भी सोचती है कि भाई उस दिन अगर वो गिफ्ट नहीं मिला होता ना तो आज ये कुछ और कर रहा होता। बट नहीं, आई एम 100% श्योर कि आंटी जी तो प्राउड होगी, बट वो आप आगे बात करेंगे हम लोग। कैसे थे पढ़ाई में, कैसे थे आप पढ़ाई में? सही थे, मतलब बात करें 10 तक तो मैं 5th तक आता था, मतलब होता है ना। अच्छा, हाँ, रैंकिंग थी हमारे टाइम पे, रैंकिंग हुआ करती थी। यस, तो 5th रैंक तक आता था क्लास में, तो सही था, इतना अच्छा था यार। आप तो पढ़ाई में तो बढ़िया ही थे 10 तक। 10th के बाद हुआ वही 9-10 बजे बताया ना जब काउंटर स्ट्राइक और मल्टीप्लेयर गेमिंग का अपना हो गया सीन चालू, बस फिर तो क्या ही कहने थे। फिर हमारा जीवन व्यतीत होता था कोचिंग के नाम पे गेमप्लेक्स में, और कोचिंग बंक होती थी, ट्यूशनें बंक होती थी, और वहां मिलते थे। कोई कांड याद है आपको इलाहाबाद वाला पाजी जो अपने दोस्तों के साथ खतरनाक वाला किया था? मतलब जब भी बचपन की यादें ताजा होती है तो वो कांड हमेशा याद आता है। एक कांड है, हाँ एक कांड याद आता है जिसमें मैं ऑलमोस्ट मरते मरते बचा था। अच्छा बाप रे। बाइक मिली थी मुझे, मतलब 10th में होता है, मैंने बताया ना 10th तक मैं अच्छा होता पढ़ने में, तो 10th में घर वालों से बोला था कि मुझे अगर अच्छे मार्क्स मिल जाए तो बाइक ला देना आप। तो भैया मेहनत कर दी, पढ़ाई लिखाई करी, परसेंटेज आ गए, बाइक ला दी, पल्सर 180। भाई साहब वैसे तो 220 लेनी थी तो, पर 180 मिल पाई क्योंकि उस समय पता नहीं 220 स्टॉक में नहीं थी ऐसा कुछ, तो 180 मिली। और बस वही 10th में पल्सर 180 मिली, और जो मेरा दोस्त था जिसके साथ मैं गेम खेलने जाता था, आपको बचपन बताया, उसको मिली एवेंजर, मतलब उसने अपने घर में बोली हुई थी कि मुझे एवेंजर चाहिए, तो उसको मिली एवेंजर, हमें मिली पल्सर, दोनों की बजाज की, और साथ में आई हमारी। अब उसके बाद जब बाइक आती है तो नया नया खून, नया नया जोश होता है। आप क्या करते हो बाइक में, पता ही होगा बस। हाँ। सब होता है ना कि भाई मेरी बाइक तेज है, नहीं भाई वो कहता है एवेंजर तेज है, बस हम लोग का एक वो लगा कि आओ देखते हैं अब किसकी बाइक तेज है, तो बस रेस लगाई एक, और वो रेस थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, हम लोग ने अंधेरे में रेस लगा ली, ऊपर से कैंट एरिया था और गलत सीन हो गया, बस एक्सीडेंट हो गया या क्या मतलब। हाँ एक्सीडेंट हो गया था मेरा, वो तो बच गया था। अब आप पता नहीं आपने एवेंजर चलाई कभी? हाँ हाँ चलाई है, बहुत बार चलाई है, एवेंजर चलाई है, पल्सर चलाई है। वो आपके टाइम पे एवेंजर नहीं होगी, वो एंटाइसर होगी, एंटाइसर पता नहीं, एवेंजर थी, एवेंजर आ गई थी, एवेंजर आ गई थी, ओके एवेंजर आ गई थी। 200 सीसी एवेंजर उसके पास थी, मेरी 220 सीसी पल्सर, 180 सीसी पल्सर। कुछ ज्यादा इंजरी क्या मतलब हुआ क्या था? मुझे इंजरी एक भी नहीं हुई, मतलब एक होता ना खून भी नहीं निकला, और मेरा एक्सीडेंट हुआ था 120 की स्पीड पे। अरे बाप रे, तो भाई है ना मिरेकल हो गया, बाल बाल मतलब तो यार बच गए। और हाँ, और फिर तब से राइडिंग बंद या फिर क्या हो गया पेरेंट्स के रिएक्शन? फिर से मतलब एक होता है ना डर हो गया, मतलब होता है ना कि डर सा बैठ गया है आपके दिल में कि भाई 100। फिर उसके बाद से मैंने 100 के ऊपर बाइक भी नहीं दौड़ाई कभी, मैं 100 के ऊपर ही नहीं लेके गया कभी। मतलब होता है ना कि एक सदमा सा लग जाता है, इतने नियर टू डेथ एक्सपीरियंस आप जब कर लेते हो। ट्रू ट्रू ट्रू। तो उसके बाद से आप भाई समझ जाते हो कि भाई नहीं, अब इससे ज्यादा नहीं, आज ने आगे नहीं बढ़ना है, देख लिया। बार-बार हाँ। टेस्ट नहीं करेंगे। और वो चांस मुझे पता है किसी की वजह से मिला, मतलब मेरे सामने मतलब एक कर्व था, मतलब आप वही पूछ रहा था मैं, एवेंजर अगर आपने चलाई होगी तो उसका हैंडल जो है वो बहुत इजीली मुड़ जाता है, और पल्सर का शॉर्ट हैंडल है, शॉर्ट हैंडल स्पोर्ट्स हैंडल है, वो आप घुमाओगे तो वो कर्व उतना नहीं करता, आपको लिटानी पड़ती है, काइंड ऑफ स्पोर्ट्स बाइक, वो लिटानी पड़ती है। हाँ, तो हुआ क्या कि वो रेस के एंडिंग पार्ट पे कर्व था, मोड़ था, और वो मोड़ में वो उसकी एवेंजर तो मुड़ गई, उसने जब धीरे करी, बट जब मैंने धीरे करी तो मेरी पल्सर नहीं मुड़ी, और वो मोड़ का जो जहां पर रोड मोड़ रही थी उसके दूसरी साइड दीवार थी, और मतलब होता है ना जब 120 की स्पीड में आप मुड़ नहीं रहे हो तो कहाँ जाओगे, सीधा दीवार में घुस जाओगे। तो वही दीवार पे अगर मैं घुस जाता तो खत्म था काम। और उससे बचाने के लिए बीच में आ गया एक साइकिल वाला। हाँ। और मैं सीधा साइकिल वाले पे भिड़ गया। साइकिल वाला तो ठीक था, आप ठीक थे, बट वो भी साइकिल वाला तो उड़ गया मतलब he did not die obviously। हाँ। तो वो मतलब साइकिल से उड़ के गिर गया और बहुत चोट आई उसको, और पता नहीं आई, मुझे नहीं आई, एंड आई सर्वाइव। कांड किए मतलब आपने। हाँ, फिर उसके बाद उसका पूरा इलाज कराया, उसकी साइकिल नहीं आई, उसका फोन भी टूट गया, उसका फोन नहीं आया, मतलब होता है ना कि यार जान बची उसकी, वही बड़ी बात है, जान बच गई वही बात है। और उसमें भी मतलब एक हुआ था कि मुझे लगा था कि वो गया, वो उसका काम लग गया, पूछो क्यों, क्योंकि वो बंदा था टकला, ठीक है, और उसने पहना हुआ था विग, और जब अंधेरे में हुआ था एक्सीडेंट और मैं जब सड़क पे देखा ना, उसका विग गिरा हुआ था और मेरी फट गई, इतनी बुरी फटी, मुझे लगा उसका सर बाहर आ गया और वहां पर उसके बाल वाल गिर गए। भाई मैं तो उसके बाद जब मैंने उस पर नजर घुमाई, देखा वो तो टकला था, तो भाई थोड़ा सा मतलब सुकून सा आया। भाई नहीं, उसकी वीग उठा के लेके आप घर पे यादों के लिए उसे संभाल के रखा। मैं क्यों उठाऊंगा भाई, उसने उठा के पहन ली थी, फिर उसने उठा के पहन ली। बढ़िया यार, चलो बाल बाल बहुत गलत सीन हुआ था। और मतलब आज भी, अभी मैं कुछ दिन पहले जब गया था अपने उस दोस्त से मिला था, आज भी उस दोस्त ने वो किस्सा सुनाया था, हम लोग हंस रहे थे उस किस्से पे। बट वही बात है ना, वो होते हैं छोटी छोटी बचपन की गलतियां जो कि बहुत भारी पड़ सकती हैं, बट नहीं होती तो फिर हंसी आती है बाद में कि हाँ यार क्या क्या हुआ, क्या करते थे। तो आप वो 10 तक आप शायद इलाहाबाद में थे, उसके बाद आप लखनऊ आ गए? 12 तक। अच्छा, 12 तक इलाहाबाद में था, फिर लखनऊ आ गया। फिर कॉलेज टाइम का बताओ, कैसा था कॉलेज, दोस्त वगैरह? कौन से कॉलेज में थे आप लखनऊ में? मैं अमिटी में था। ये लखनऊ में मतलब मेरा ऐसा था कि कॉलेज जो हो वहाँ पर मतलब फैसिलिटीज अच्छी हो, और लखनऊ के जो भी कॉलेजेस हैं वहाँ पर मतलब उतना अच्छी फैसिलिटीज नहीं थी, तो जो सरकारी कॉलेज थे वो बड़े बेकार से मतलब होते हैं ना, एकदम यूपी बिहार वाले लोग भरे हुए थे ज्यादा, और मतलब होता है ना पान खा के वहीं थूक देंगे क्लास में और वहीं दबाते रहेंगे गुटखा और टीचरों को गाली दे, वैसा माहौल था। मतलब मेरा ऐसा वैसा उस माहौल में स्टडी करने का वो नहीं था मन, और ऐसा था कि लखनऊ से बाहर भी नहीं जा सकता था क्योंकि अकेला इकलौता चाइल्ड हूँ, तो घर वाले भी अलाउ नहीं कर रहे थे बाहर जाने। सिस्टर ब्रदर्स आपके इकलौते हो आप? ओके ओके। हाँ, तो घर वाले भी अलाउ नहीं कर रहे थे, मतलब बहुत बोल रहे थे, मतलब करने को अलाउ कर भी देते बट मेरा भी मन नहीं था कि मैं ऐसे जाऊं अकेले और फिर बाहर रहूं। तो यहाँ पर जो बेस्ट कॉलेज लगा मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया और फिर वहाँ बीटेक किया और 4 साल बीते, दोस्त बनाए। नहीं बट एक बात पापा जी, ये जो जब हम 10th पास आउट होते तब एक होता है ना कि अभी आप जैसे आपने कहा कि आप पढ़ाई में भी अच्छे थे, अच्छे नंबर्स भी लाते थे, तो घर वालों का था कि मेरा बेटा इंजीनियर, और इलाहाबाद वालों का क्या ऐसे होता है तो बनेगा तो आईएएस ही बनेगा। वो होता है ना आपके यहाँ से बहुत ज्यादा आईएएस वाईएएस बन जाते हैं। हमारे घर में बिजनेस वाले ज्यादा है ना, मतलब सरदारों में हमारे क्या बिजनेस वाले ज्यादा है, तो हमारे कुछ भी कर लो, तुम इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, बैठना तो तुम्हें बिजनेस में ही है। अच्छा ओके, तो वो कोई प्रेशर नहीं रहा आपको? प्रेशर क्या था कि वही था कि कर लो, तुम्हें जितनी मस्ती करनी है, जितना वो करना है, फिर तुमको आना तो यही है घुमा फिरा के, ऐसा मेंटालिटी थी उनका। तो मैं कहा चलो ठीक है, अपने शौक पूरे कर लेते हैं, जाके कर लेते हैं। अगर भाई होता है ना कि एक बार आप लाइफ एक्सपीरियंस कर लेते हो, जॉब करनी है, इंजीनियर बनना है, जो करना है कर लिया, उसके बाद फिर घूम फिर के आ ही गया मैं वापस। पापा लखनऊ वापस, पापा की शॉप है। अच्छा, लखनऊ में। हाँ, तो वही है कि उनको भी पता था, मतलब वही होता है ना, इकलौता है तो फिर शॉप कौन देखेगा, मतलब बिजनेस जो है वो कौन देखेगा फिर। तो वही है कि चल रहा था, मैं बातचीत होती रहती थी कि आप कुछ और कर लेना, हम कुछ और कर लेंगे, ये वो चलता रहता था। तो फिर उसके बाद वही है, इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, जॉब के लिए अप्लाई किया, कैंपस प्लेसमेंट हुआ, कंपनी आई अच्छी, हो गया सिलेक्शन। होता है ना कि भाई दूर से दूर के ढोल बड़े सुहाने लगते हैं, सुहाने लगते हैं। हाँ, जब आप सोचते हो बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी आपको लेके जाएगी, पैकेज अच्छा होगा, बड़ी खुशी होगी। बीटेक कौन सा किया था भाई आपने? बीटेक किस में किया था? मैंने सीएस में किया था आपने। अच्छा, और कौन सी? तो आपने जॉब एक्सेप्ट कर ली थी, ऑफर एक्सेप्ट कर ली थी आपने? हाँ हाँ, कर लिया था। मतलब होता है हमारे में ऐसा था कि पहली कंपनी में आप बैठो, अगर उसके बाद हो जाता है तो आप किसी और कंपनी में अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब कैंपस प्लेसमेंट में, मतलब एग्जाम नहीं दे सकते और फिर सिलेक्शन भी नहीं होगा आपका। तो वही पहली कंपनी में बैठे, पहली में ही हो गया। तो फिर उसके बाद हमारा आगे किसी और कंपनी में हम दे ही नहीं पाए। पर कहाँ पे, लोकेशन कहाँ पे था वो कंपनी का? वहीं पे था लखनऊ में, बैंगलोर। अच्छा बैंगलोर, ओके। तो आए थे बैंगलोर? हाँ, मैं बैंगलोर 2 साल जॉब किया। अच्छा ओके। हाँ, तो फिर उसके बाद जॉब लग गई और फिर तो ये पैरेलल वर्ल्ड में आपकी जॉब चल रही है। पैरेलल वर्ल्ड में आपका गेमिंग का क्या सीन चलता था? एमिटी में पैरेलल वर्ल्ड में सब चलता रहता था। कॉलेज से मैं आता था 2 बजे, 4 बजे, 3 बजे। कॉलेज का होता है, आपको भी पता है कि लास्ट की क्लासेस नहीं हुई, जल्दी छुट्टी हो गई, बंक मार दिया, मास बंक हो गया, ये सब चीजें होती थी। या वो लग गई, क्या उसको प्रॉक्सी लग गई, ये सब चीजें हो गई। तो जब भी छुट्टी मिल जाती थी 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे, 4 बजे मैक्सिमम कॉलेज छूटता था हमारा। 5 बजे छुट्टी हो जाती थी, मतलब अगर लास्ट तक क्लास चल रही है एकदम। और उसके बाद घर आते आते 7 बज जाते थे। मेरे घर से जो कॉलेज था वो है 30 किलोमीटर दूर, तो 30 किलोमीटर जाना, 30 किलोमीटर आना। जाने में 1.5 घंटा, आने में 1.5 घंटा लगता था। तो अराउंड मैं सुबह निकलता था वही 6-7 बजे, घर आता था 6-7 बजे, अगर मतलब फुल कॉलेज फुल टाइम चलता था। और फर्स्ट ईयर में तो ऐसा हुआ था कि फुल टाइम चला था, तो फर्स्ट ईयर मतलब बहुत कम गेमिंग हुई थी मेरी। अच्छा। और फिर सेकेंड, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ऐसा था कि मैं वापस गेमिंग में मतलब आ रहा था, मतलब करता था। मैं उस समय खेलता था काउंटर स्ट्राइक और शिद्दत से घर आके आराम करके शाम को बैठ जाते थे काउंटर स्ट्राइक खोल के, और काउंटर स्ट्राइक खेलते रहते थे। मतलब 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा काउंटर स्ट्राइक, 1 MM, 2 MM, उसके बाद स्क्रिम्स खेल रहे हैं। उसके बाद मैं अपनी एक टीम भी थी और सब कुछ था। बढ़िया मस्त खेलते रहते थे। उसके बाद अगले दिन होती थी, फिर सुबह बैक टू कॉलेज, फिर वही चीज, फिर शाम को। यूट्यूब आ गया होगा ना पाजी? तब तक यूट्यूब आ गया होगा? नहीं, यूट्यूब कहाँ आएगा? वो ये बात है 2014-15 तो आ गया था ना यूट्यूब। तो अच्छा, स्ट्रीमिंग की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। नहीं 2012 में यूट्यूब आ गया, 12-13 में आया था यूट्यूब। आ गया मतलब समझा नहीं। यूट्यूब मतलब वीडियोस वगैरह देखना, क्योंकि गेमिंग तो फॉरेन कंट्रीज में देखना। नहीं, अपन वीडियोस नहीं देखते। नहीं, ऐसा कभी अपना हमेशा से ऐसा वीडियोस बनाएंगे, वीडियोस देखेगा, वो पहले से था, वीडियोस बनाएंगे। अच्छा, तो फिर उसके बाद नहीं, फिर वही है कि बैठ के अपना करते रहते थे, प्रैक्टिस करते रहते थे। उस समय इंडिया में भी कोई यूट्यूब का कोई सीन नहीं था, कोई गेम नहीं था ऐसा, मतलब स्ट्रीमिंग कुछ नहीं था। दिमाग में था ही नहीं कि इसको लेके कोई ऐसे करियर भी हो सकता है। वो बस आप 2000 बताता हूँ 2015, 2014 में बताया कि कुछ नहीं था। 2014 तक में मैं खेलता था, 2014 में मैं था सेकेंड ईयर में। तो फिर 15 में थर्ड ईयर की बात करूं, थर्ड ईयर में आपको पता नहीं है, कम्युनिटी का एक पर्सन पता होगा, नाम होगा ब्ले। सुना है आपने नाम? हाँ, सुना है। काउंटर स्ट्राइक का बहुत अच्छा वो है, कमेंटेटर है, वो कास्टर है, जो बोल लो आप, एंड वर्ल्ड वाइड रिनोन्ड है। उस समय क्या आता था, ही वॉज अ देसी पर्सन, देसी मैचेस कास्ट करता था, उसके साथ में हम लोग खेलते थे। एंड यू नो आई वॉज लाइक कि ये बंदा जो है ये खेलता है और साथ साथ स्ट्रीम करता है। उसने ट्विच पे चैनल बनाया था, काफी अच्छा जाता था, 50-60 व्यूअर्स आते थे। उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी थी, इतना बढ़िया उसका वोकैबुलरी, सब कुछ इतना बढ़िया बोलता था, तो बहुत इम्प्रेस्ड हुआ था मैं उससे। और वो उसका उसने ट्विच पे चालू किया था स्ट्रीमिंग, तो उसको देखा देखी मैंने कहा कि यार मैं भी ऐसा कुछ करता हूँ। तो मेरे पास जो भी बेकार सा पीसी था उस पे मैंने इंटरनेट का पूरा जुगाड़ लगाया, देखे कौन सा इंटरनेट है। तो एक इंटरनेट मिला 10 Mbps का, यहाँ पर रिलायंस का, रिलायंस ब्रॉडबैंड, नॉट जियो, रिलायंस का ब्रॉडबैंड था। और बहुत ही इनकंसिस्टेंट, बहुत ही बेकार ब्रॉडबैंड, कभी आता है कभी नहीं आता है, हफ्ते में मतलब 7 दिन में से 4 दिन नहीं आएगा, ऐसा रहता था। तो वो लगवा लिया, उसमें 10 Mbps अनलिमिटेड था उसका प्लान, अपलोड डाउनलोड दोनों लगवा लिया और थोड़ा बहुत स्ट्रीम करना चालू कर दिया था। तो ट्विच पे उस समय 2000 कितनी की बात है, 15, हाँ 2015 में मुझे आए थे 1500 व्यूज ऑन माय ट्विच स्ट्रीम। अच्छा 1500। सबसे पहले आप ट्विच पे गए थे, ट्विच पे किया? हाँ, मैं ट्विच, मेरा ट्विच पे सबसे पहले का अकाउंट है, 2014-15 से अकाउंट बना हुआ है। ESL के मैचेस होते थे, सब कुछ होता था, बैठ के आराम से शिद्दत से देखते थे। सिक वॉरियर का चैनल बना लिया था, कभी ऐसा यू नो, सिक वॉरियर नाम भी उसी तब से ही है, मतलब ट्विच से ही सिक वॉरियर। सिक वॉरियर का नाम तो उस टाइम से है जब मैंने 2009 में काउंटर स्ट्राइक खेलना शुरू किया था। ओके, अच्छा हाँ, वो नाम तब से 9 से है। और फिर उसके बाद मैंने 2009 के बाद से ही वही सेम नाम रखा हुआ है, हर जगह वही नाम। और बहुत सारे लोग सिक वॉरियर नाम से जानते हैं, उनको अभी मैं पूछ लूंगा मेरा असली नाम क्या है, किसी को नहीं पता। आपको पता है? गगनदीप सिंह, हाँ हमारी रिसर्च टीम में पाजी सब आपने रिसर्च करी है, बट वही बात है बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रिसर्च नहीं करी थी, तो वो लोग सीधा बोलते थे अच्छा सिक वॉरियर। और कम्युनिटी में बहुत लोग जानते हैं, मतलब काउंटर स्ट्राइक की कम्युनिटी के इंडिया के बहुत लोग जानते थे सिक वॉरियर को, मतलब नॉट एज अ स्ट्रीमर, जस्ट एज अ प्लेयर, एज अ एक्टिव मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। बहुत सारे लोग जैसे मतलब उस समय के रिनोन्ड लोग हैं, आदि है, एक्विटास है, और मतलब सो स्ट्रॉन्ग वाले जितने थे, और ये आपका नॉर्डविन वाले जितने थे, मतलब काफी लोग जानते थे। ये तो जॉब करते करते की बात है या कॉलेज वाली बात है? ये कॉलेज वाली बात है। कॉलेज में हम खेलते थे। उसके बाद क्या हुआ, 2015-16 तक मैंने काउंटर स्ट्राइक खेला, 16 तक मेरा कॉलेज चला। फिर उसके बाद कॉलेज खत्म होते ही अपन क्या नाम है, निकल गए बैंगलोर के लिए अपनी नई लाइफ में। और फिर वहां जाके मुझे काउंटर स्ट्राइक से मन उड़ गया। फिर मैंने वहां पर नई गेम खेलनी शुरू करी, ओवरवॉच। और वहां पर मतलब ऐसा सीन था, हम लोग बैंगलोर में काफी महंगा होता था, और प्लस जो जॉब थी उसमें ऐसा कोई लैविश पैकेज नहीं था हमारा। भैया हम IIT वाले तो है नहीं प्राइवेट कॉलेजेस वाले थे, तो ठीक है जितना हुआ था हम लोग रहते थे। हम लोग कितना एक फ्लैट में रहते थे, पीजी में रहते थे। और पीजी में हम लोग 8 लोग रहते थे, 4 BHK पीजी था और 8 लोग रहते थे, मतलब हो गया 2 लोग पर पर्सन ना, पर रूम, सॉरी हाँ। 2 लोग पर रूम, हाँ 2 × 4 8, या तो 2 लोग पर रूम रहते थे। मेरे साथ एक रूममेट था जो कि कहाँ से था, बिहार से था तो उसको गेमिंग का जी भी नहीं पता था। और मैं अपना पूरा पीसी ट्रांसपोर्ट करा के, पूरा डेस्क, पीसी मतलब मॉनिटर, CPU, UPS, सब कुछ मैंने अपना कुरियर कराया था वहां पर बैंगलोर में, बिकॉज मैं गेमिंग के बिना नहीं रह सकता था। मैं गया भी इसी उस पे था कि मैं वहां जाऊंगा, जॉब करी, जॉब से आया गेम खेलूंगा, जस्ट लाइक यू नो कॉलेज से आया गेम खेले बस। बैचलर लाइफ है और वहां पे क्या ही करना, नए दोस्त कहाँ बनाएंगे, क्या करेंगे पता नहीं भाई, तो अपना गेम खेलेंगे। अब दिक्कत ये हुई भाई, ये नहीं था कि भाई वहां पर पीजी में रहेंगे और पीजी में ऐसे सीन होगा कि भाई उन लोग का गेमिंग का जी भी नहीं पता होगा, और वो लोग भी ऐसे ही यू नो स्टेट्स और ऐसे वहां से आए होंगे। तो ठीक है, मेरा रूममेट बहुत परेशान हो गया मेरे से, मतलब होता था मेरी खेलते होंगे या फिर 4-4 घंटे, नहीं लेट नाइट भी नहीं, और पंगा मेरा क्या था, मेरी थी नाइट शिफ्ट, उसकी थी डे शिफ्ट। अच्छा ठीक है, हाँ तो मैं दिन में खेलता था और वो रात में, मतलब मैं रात में चला जाता था। तो होता था कि कमरे में हमेशा चहल पहल रहती थी, तो सोने के लिए बड़ा प्रॉब्लम सा होता था। मतलब जब वो सो रहा होता था तो मैं तैयार होने के लिए उठता था, और फिर उसके बाद यू नो रेडी हुए, कपड़े वपड़े नहाए धोए, तैयार हुए, और मतलब गेम वेम भी 1 घंटा पहले उठ के खेल लेते थे, क्योंकि नाइट शिफ्ट है तो जगह ही रहते थे मोस्ट ऑफ द टाइम, आके सोते थे दिन में, ऐसा होता था ना। तो थोड़ा सा मतलब अजीबो गरीब सीन था, और ठीक है चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, उन लोग को भी आदत सी हो गई थी। बट ये था कि हाँ शोरगुल से बहुत लोग परेशान थे, क्योंकि जब 4BHK है वहां पर आप गेम खेल रहे हो और आप गेम में कुछ भी कर रहे हो तो बहुत सारी बातें होती हैं, चिल्ला चिल्ला के आप बोलते हो, और पूरे घर में शोर मच जाता था। और ठीक है बहुत बार लड़ाइयां भी हुई हैं इस चक्कर में कि भैया हम इसके साथ नहीं रहेंगे, और चिल्लम चिल्ली खूब चलती रहती। टिपिकल वही आरआर, उनका आरआर, उनका आरआर, अपना आरआर, सबका आरआर चलता रहता था। तो वो भी एक लाइफ का फेज है, हमने देखा है कि एक होता है ना घर की लग्जरी में अपना खेलना, यहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं, मम्मी बस होती थी जो रोकती टोकती थी, और यहाँ पर क्या है कि भैया यू नो ऐसे लोगों के साथ जिनको आपने आज तक जाना नहीं, देखा नहीं, उनके साथ रह के आप खेल रहे हो। तो ठीक है एडजस्ट किया और खेला, और फिर वहां पे भी मतलब ऐसा है कि गेमिंग छोड़ ही नहीं, गेमिंग अपनी चलती रहती थी। और वो बिजनेस वाला क्या मतलब घर वाले जो थे कि बिजनेस में जाना है, तो आप तो जॉब में चले गए। वही है ना, मैं तो चला गया जॉब पे, मुझे था कि मैं बिजनेस नहीं करूंगा जब तक ऐसा फील होता है अंदर से कि नहीं यार ठीक है जॉब नहीं हो रही, अब बिजनेस करेंगे। फिर 2 साल बाद आई रियलाइज्ड कि भाई जॉब में कुछ नहीं रखा है, अपने मैनेजर की चाटनी पड़ती है और रैंक अप करना पड़ता है। रैंक अप करना था, जितनी रैंक अप करते रहोगे उतना लेवल बढ़ता रहेगा, उतना आपका यू नो मतलब रैंक पुश ही है, वहाँ पे रैंक पुश ही करना है, अलग लेवल का रैंक पुश है। रोज वो जाके तो पकड़ के रैंक पुश करना होता है वहाँ पे। रोज ट्राई हार्ड गेम प्ले करो आप जाकर वहाँ पर मैनेजर के सामने, और बहुत अच्छा अच्छा परफॉर्म करो, तो वो ना मैनेजर आपके टीम का कैप्टन रेकमेंड करेगा आपके बॉस को, और आपकी सैलरी बढ़ेगी। नहीं, आपको नहीं जमा वो सब, नहीं जमा, बिल्कुल नहीं जमा। और एक होता है ना जिस चीज में आप अच्छे होते हो, कंपनी कह दे नहीं भैया आपको ये चीज नहीं करनी है, आपको हम नई चीज सिखाते हैं, आप वो चीज को और हमारे लिए वो करो। करेक्ट। एंड आई वाज लाइक कि भैया हमको आपने जब रिक्रूट किया था आपने हमारी ये नॉलेज देखी थी, वो नॉलेज देखी थी, वो उसका यूज कहाँ हो रहा है? यूज तो हो नहीं रहा। आपने तो हमको कुछ और सिखा दिया और हमसे कुछ और करवा रहे हो, और ये चीज में हमको मजा भी नहीं आ रहा। फिर आई वाज लाइक कि भैया इस फील्ड में मैंने बहुत रिसर्च भी करी छोड़ने से पहले, पता किया कि भाई क्या चल रहा है, और टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ती रहती है, इतनी बढ़ती रहती है कि जैसे मान लो आज आपने जावा सीखी, ठीक है बहुत अच्छे हो गए जावा में, और कल को आ गई पाइथन, हमेशा अपग्रेड करते रहना है आपको, पाइथन अपग्रेड करते रहना। फिर आ गया पाइथन के बाद एसएपी, एसएपी के बाद आ गया ओरेकल, ओरेकल के बाद पता नहीं क्या क्या आ जाएगा, नई टेक्नोलॉजी आती रहेगी, .NET आ गया, पता नहीं बहुत बहुत। मैं तो अब छोड़ के भी आ गया हूँ तो मुझे ज्यादा पता भी नहीं है। हाँ उस समय चल रहा था बिग डेटा और एनालिटिक्स और क्या था भाई पता नहीं, याद भी नहीं आ रहा मुझे, बट बहुत कुछ था। और हर बंदा एक अलग रेस में लगा हुआ है। पैकेज चाहिए मुझे, ज्यादा पैकेज चाहिए मुझे, अच्छी जॉब चाहिए मुझे, MBA करना है मुझे, MA करना है, MS करना है, ये सब करना है, बहुत कुछ। एंड आई वाज लाइक कि इस भीड़ का हिस्सा नहीं हूं मैं नहीं कर पाऊंगा ना। एंड पापा के साथ हाथ बटाता हूँ, अपना बिजनेस बढ़ेगा। यहाँ पर क्या है कि जो कमाएंगे वही खाएंगे। Correct. वो थोड़ी ना कि हम कमा के उनको इतना लाखों रुपए दे रहे हैं और वो हमको हजारों रुपए दे रहे हैं, बस ऐसा बात समझ रहे हो। और ऐसा भी नहीं हो, पता नहीं कितना परसेंट ही मिलता है। मुझे याद है पर 2 साल पहले मैं आपकी आई थिंक स्ट्रीम में था, आप कह रहे थे आपका कुछ मेडिसिन का बिजनेस था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ पापा का वही है ना, मेडिसिन का ही तो है। हाँ ओके ओके ओके। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलो यार वापस चलते हैं, पापा के साथ लग जाएंगे, उसके बाद अपनी गेमिंग तो चलती रहेगी, घर आएंगे गेम खेलेंगे। फिर वही हुआ। फिर मैं 2 साल बाद पापा से बातचीत करी, घर में बातचीत करी, सब कुछ किया कि चलो अब मेरे से और हो नहीं रहा। आप भी घर में, वो लोग भी घर में एकदम अकेला महसूस करते थे। जब घर में एक लड़का होता है या घर के बच्चा होता है तो चहल पहल लगी रहती है, तो और वो भी खुश आपके डिसीजन से कि आ रहा है बेटा, आ रहा है घर, आ रहा है बेटा, वापस आ रहा है यार, अब इसको नहीं जाने देना। तो ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई, सब कुछ हुआ, बातचीत हो गई कि हाँ आ जाएंगे, फिर क्या करेंगे सब, ठीक है आ गए हम। फिर उसके बाद लग गए पापा के साथ, आते थे रात को गेम खेलते थे सेम। और फिर वहां से जब मैं आया, मतलब होता है ना आपने जॉब कर ली, यू गॉट सम सेविंग्स, आपने अपना जॉब किया, कमा लिया आपने। फिर मैं आते ही मैंने अपनी सेविंग से वो ले लिया, एक पीसी अपना अपग्रेड कर लिया, ठीक है। मुझे पता था कि मुझे स्ट्रीमिंग करनी है, मुझे इतना पता था कि मुझे स्ट्रीमिंग करनी है। अच्छा, तब तक फिर वो स्ट्रीमिंग का आ गया था? कोई बताओगे स्ट्रीमर उस टाइम तक जो आप उसको देखते थे और कहते थे कि यार मुझे ऐसा करना है? 2017 में मैं देखता था ये जैग्स वगैरह को, हाँ जैग्स में बहुत सारे स्ट्रीमर थे, ये फेट था, नाबू था, एसके था और कैप्टन आर्या थे, मतलब एक पूरी टीम थी और सब बैंगलोर के थे और सब बैंगलोर में इतना हंसी मजाक होता था। आई वाज लाइक कि यार बहुत सही है, मुझे मतलब ऐसा नहीं, वो सीएस नहीं खेलते थे, वो सब कुछ खेलते थे जस्ट लाइक वैरायटी स्ट्रीमर्स, बट बहुत फन होता था। तो मैं बहुत खुश था एंड आई वाज लाइक कि मैं भी करूंगा, मुझे इतना पता है कि मैं स्ट्रीम करूंगा, मुझे ये नहीं था कि मैं प्रोफेशनल करूंगा बट मुझे करना है। एंड फिर मैं आया घर, पीसी अपग्रेड कराया, बनाया, उसमें टाइम लगता है ऑब्वियसली, आप सारे फंड्स एक बार में नहीं खर्चते हो, पहले सीपीयू बनवाया, फिर उसके बाद यू नो फिर बाकी चीजें अपग्रेड करी, माउस कीबोर्ड ये सब चीजें अपग्रेड करी और फिर इंटरनेट लगवाया और हो गया, ठीक है भैया नाउ आई एम सेट, अब मैं करूंगा स्ट्रीम। फिर उसके बाद मैंने 2017 एंड से चालू कर दी स्ट्रीमिंग और बस 2017 एंड से चालू करी और उसके बाद आज कितना 2020 हो गया, आज भी चल रही है एवरीडे। और उस समय भी एवरीडे स्ट्रीम चालू की थी, आज भी एवरीडे स्ट्रीम होती है, हर दिन आपको लाइव मिलूंगा अपने चैनल पे एंड कुछ ना कुछ नया लेके आने की, कुछ ना कुछ अच्छा करते रहने की, कुछ ना कुछ नया, मतलब होता है ना कि आप अपने आप को कल से इम्प्रूव कर रहे हो, इम्प्रूव करना है। मेरा हमेशा से ये रहा है कि आप जैसे कल थे उससे ज्यादा इम्प्रूव करना है, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ले लो, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट ले लो, इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी ले लो, इन टर्म्स ऑफ द होल यूआई हो गया, विजुअल एक्सपीरियंस हो गया, द वे आई टॉक, द वे आई स्पीक, द वे व्हाट आई वियर, एवरीथिंग। बस इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, जहां आपने इम्प्रूवमेंट करनी बंद कर दी वहां पर आप स्टक हो जाओगे। मैं बहुत सारे स्ट्रीमर्स देखता हूं अभी भी, उन्होंने इम्प्रूवमेंट करनी बंद कर दी है, दे आर जस्ट लाइक कि बस जो है मैं उसमें खुश हूं, बस अब मुझे यही चीज करते रहना है, ग्राइंड करते रहना, यही मेरा गेम है, यही मेरा ओवरले है, यही मेरा कैमरा है और मुझे चलना है, ये लेके बस मुझे लेके चलना है, ये मैं गेम पकड़ लिया, मैं बस पैसे निकालता रहूंगा, जितने टाइम तक ये गेम चला मैंने पैसे बनाए और फिर उसके बाद गेम खत्म और मैं गया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, ऐसा हो जाएगा उनका। बट मेरा ऐसा नहीं था, स्ट्रीमिंग इज, गेमिंग इज माय पैशन, स्ट्रीम मैंने करते हुए शुरू किया और मुझे बहुत मजा आया, लोगों से इंटरेक्ट करके, लोगों के कमेंट्स पढ़ के, लोगों को समझा के, मुझे लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने में ज्यादा मजा आता है। आई एम नॉट एन एंटरटेनर, मैं कैरी की तरह हंसाने के लिए नहीं यहाँ पर हो पाऊंगा कि मैं कैरी की तरह चार बार और ये नहीं मारता है, वो जोक नहीं मारता है, वो रोस्ट करता है, रिएक्शन उसके अच्छे होते हैं तो वो होता है। कभी उसको देखो आप, वो स्टैंड अप कॉमेडी थोड़ी ना करता है, वो जोक थोड़ी ना मारता है कि मेरी मम्मी यहाँ पर दाल बना रही थी, उसके बाद उसमें पानी गिर गया और खिचड़ी बन गई, पता नहीं क्या हो गया, कोई जोक थोड़ी ना बनाया उसने, वो ही इज नॉट अ कॉमेडियन, ही इज जस्ट अ रोस्टर एंड पीपल लव्ड रोस्टिंग हिज वे ऑफ डूइंग थिंग्स एंड एवरीथिंग। और फिर उसके बाद ही जस्ट ब्लू ऑफ बिकॉज यू नो ही वाज द फर्स्ट वन टू डू, और बहुत सारी चीजें ऐसे फिर होती रहीं। ये आपने कॉलेज और ये जो अपने जॉब के बारे में बताया, बट उस पीरियड में कभी गेमिंग से फुर्सत होकर कभी प्यार बीर में पड़ गया, लड़की विड़की के चक्कर कभी हुआ नहीं ऐसा कुछ? फर्स्ट साइड में चल रहा तभी तो लव मैरिज साहब। अच्छा उस पर तो हम आना है आगे, तो जरा यार बताइए वो कब हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस कॉलेज में जब आते हो और जब मैं बचपन से बॉयज उसमें था, बॉयज स्कूल में था, मेरा पूरा 1 से लेकर 12 तक बॉयज स्कूल था। तो जब कॉलेज गए, और पता नहीं आपने कभी आप गए हो प्राइवेट कॉलेजेस में, जो अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, कभी गए हो आप? फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे से हो तो अच्छे, पता नहीं अब मुझे पुणे का नहीं पता, बट जैसे आपने नाम सुना होगा ये एमिटी बहुत अच्छे उसमें कॉलेज में आता है ना प्राइवेट, गलगोटियाज हो गया, एड आपको दिखते होंगे ना टीवी पे, शारदा यूनिवर्सिटी, इतनी एकड़ जमीन है हमारी, खेती भी कर सकते हैं आप यहाँ पे, बड़े वैसे लोग ही आते हैं। और फिर जब होता है ना कि जब आप पहली बार कॉलेज में कदम कर रखते हो और बॉयज स्कूल से आए होते हो, बाय 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 जन्नत, अरे ये क्या है, अरे भाई साहब मतलब मजा आ गया था, अरे ये तो वन पीस में बैठ के मेरे बगल में बैठी है, अरे बस फिर वहीं पे पिघलना शुरू हो गए भाई, सख्त अंडा पिघल गया अपना। फिर वही होता है ना कि भाई एक एक अलग ही उसमें आ गए यार। कब मुलाकात हुई फिर? मैं अपने उसमें था, क्या नाम है, वो टैलेंट शो था, हमारा जो एनुअल फेस्ट होता था उसमें टैलेंट शो होता था, टैलेंट हंट होता था। एनुअल जो एमिटी का फेस्ट होता था उसमें कल्चरल फेस्ट में एनुअल ये टैलेंट हंट था, और फिर उसमें मैं सिंगिंग रैपिंग में उतरा था कि चलो यार मैं रैप करूंगा, और वहां पर स्टेज पे, मतलब मैं करता नहीं था बट ट्राई, वही बात है कि होता है ना कि हाँ मैं ट्राई करूंगा, बट मैंने ट्राई कर लिया था कि क्योंकि हुआ क्या था कि मैं जब गया था अपने कॉलेज की बस में, तो कॉलेज की बस में जितने भी मेरे वो थे, मतलब नए नए आए थे लोग, उसको क्या कहते हैं, सीनियर थे हमसे, सीनियर्स, तो उन्होंने, मतलब होता है ना कि फर्स्ट मुलाकात, और रैगिंग भी नहीं, मतलब होता है ना कि आपसे करवाया और आपको चैलेंज दिया और आपने किया और आपको मजा आया और उन्होंने अप्रिशिएट किया, तो आई वाज लाइक कि अरे इनको मैं ये पसंद आया तो फिर मैं तो कर सकता हूँ, फिर मैंने और किया, और फिर यू नो काफी लोगों को पसंद आया, और फिर एक बार क्या वहां से फिर मैं फर्स्ट ईयर में अपने कॉलेज में टैलेंट शो में किया रैपिंग, एंड पूरे कॉलेज में एकदम हो गई, तालियां बज गई भाई स्टेज पे, और ऑडियंस में ही बैठी हुई थी फिर वो, और मैंने देखा, फिर उसके बाद मैं फिर ढूंढा कौन थी भाई वो, फिर मैंने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, ऑरकुट फेसबुक पे, ऑरकुट तो बंद था उस समय, ऑरकुट स्कूल टाइम था। अच्छा यार पाजी, हाँ मैं यार कॉलेज टाइम, आपका स्कूल और कॉलेज में आप कंफ्यूज हो रहे हो, हमारे स्कूल और कॉलेज, मैं आपसे 6 साल पहले वाला हूँ ना, तो वो जब मैं कॉलेज में था तो ऑरकुट था, वहाँ पे उस टाइम पे ऑरकुट था, तो हम जब स्कूल में थे तब ऑरकुट था, तो वही है कि फिर बस वहां से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते फिर बस शुरू हो गया, हाय हेलो, फिर बातचीत करी, फिर नंबर एक्सचेंज किए, फिर बस आगे बढ़ते गया। बट यार ये मेरे दोस्तों का कॉलेज टाइम में लिटरली गेमिंग की वजह से ब्रेकअप हुआ था, तो ऐसे कभी हुआ कि यार बोल दिया कि यार ये तो इतना टाइम तो तुम गेमिंग नहीं कर सकते हो, नहीं तो फिर आप, वही बात है ना कि आप अपना जो लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो या आपने जो लड़की पसंद करी है वो कैसी है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है ना। बहुत सारे होते हैं कि जो लड़ाई झगड़े वाली होते हैं कि भैया नहीं आप मेरे को टाइम नहीं दे रहे हो, मेरे को वो अटेंशन नहीं दे रहे हो, मैं जा रही हूँ, मेरे को इतना नहीं जमेगा, मुझे चाहिए जो कि सारा दिन मेरे पीछे पीछे चलता रहे, जो मेरे पूछता रहे, और बेबी कैसी हो, हाय हेलो क्या हाल है, खाना खाया तो, नहीं खाना खाया कि नहीं खाया, ओ पुचू पुचू पुचू, नहीं भाई अपना ऐसा नहीं था, हमारा अपना सबका करियर ओरिएंटेड, ठीक है, मेरा अपना करियर ओरिएंटेड, शीज अपना करियर ओरिएंटेड, और होता है ना कि जब साथ में टाइम स्पेंड करते हैं तो क्वालिटी टाइम स्पेंड होता है। आप मतलब यू नो यू डोंट यूज योर फोन, यू डोंट यूज योर यू नो, आप वहां पर जाके ऐसा नहीं कि काम पे तब भी लग जाओ, नहीं, तो बस वहीं से फिर अंडरस्टैंडिंग हो गई कि हाँ यार सब अपना करियर ओरिएंटेड है, मैं भी अपना करियर ओरिएंटेड, मैं जॉब में जब होता हूँ तो वो भी अपना काम कर रही होती है, तो फिर जब खाली होते हैं तो फिर ठीक है तब भी बातचीत होती है, तो ऐसे ही था हमेशा से। और बट पहले ही प्रपोजल में हो गया था, वैसे कोई ज्यादा वहां पे मशक्कत नहीं करनी पड़ी आपको, नहीं उस सेंस में कोई मशक्कत नहीं करनी, क्या बात है यार, जैसे हर गेम में आप तुरंत अडॉप्ट कर जाते हो, वहां पे भी आप पहले ही इसमें आपका हो गया था। यहां होता है ना कि जो आपका स्क्वाड वाला है वो आपको अच्छा मिल गया, वो अडॉप्ट हो गया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बट पाजी अभी ये देखो शादी के पहले, अब मैं मैरिड हूँ, पता है, मतलब 4 साल की बेटी का बाप, तो मुझे पता है कि कितना डिफिकल्ट होता है जब आप सिंगल होते हो और स्ट्रीमिंग जैसे गेमिंग जैसे पैशन को आपको फॉलो करना होता है। तो शादी के बाद क्या चेंजेस हुए? तो वो आपके साथ पहले से थी, बट कुछ आपके बाद यही चेंजेस है कि अभी भी मतलब चेंजेस हुए भी नहीं है, अभी होने हैं, क्यों? क्योंकि लॉकडाउन हो गया और सब घर पे बैठ गए। अब फिर क्या हुआ, मैं टाइमिंग चेंज करी थी अपनी, और मैं दिन में स्ट्रीम करने वाला था। अभी क्या था, मैं हमेशा से रात में स्ट्रीम करता था। मैं पहले जब पापा के साथ काम करता था, फिर उसके बाद मैं रात को खाली होता था, 9 बजे आता था, 10 बजे मेरी हर दिन स्ट्रीम चालू हो जाती थी। 10 से 2, 3, 4 जो भी है स्ट्रीम करी, सो गए, यही चलता रहा। फिर उसके बाद शादी के जस्ट पहले तक यही चल रहा था। 9 बजे अपना स्ट्रीम चालू करो, 2-3 बजे तक, 4 बजे तक जो भी किया, फिर उसके बाद सो गए। और अब क्या है कि ऑब्वियसली शादी हो गई है, तो जब आप रात को अगर स्ट्रीम करोगे, वो दिन में काम कर रही है, और वो जब फिर मतलब बात करने का या मोमेंट मतलब स्पेंड ही नहीं कर पाते पार्टनर के साथ, नहीं बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलेगा आपको। तो वो आपको अपना टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अपना टाइम एडजस्ट नहीं कर सकती क्योंकि वो रियल जॉब है। और हमें, हमारा क्या है कि हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं रात में फिर नहीं कर सकता। अब तो मैंने जैसे ही टाइम चेंज किया और रात का किया सब कुछ, फिर मतलब दिन का किया और फिर उसके बाद रात को जल्दी चले जाने लगा। उसके जस्ट एक महीने बाद हो गया कोविड और हो गया लॉकडाउन, और फिर उसके बाद सब घर बैठ गए। फिर मैंने कहा भाई फिर चलो भाई बैक टू ओल्ड शेड्यूल चलते हैं। मैं दिन भर में तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर दूंगा, रात में मुझे स्ट्रीम करना। उसके बाद रात में भाई, क्योंकि होता है ना, ऑडियंस भी कंफर्टेबल हो रखी थी और ऑडियंस भी रात वाली थी। और दिन में आता था, लोग आके कमेंट करते थे भैया आप आज लाइव नहीं आए। उनको पता ही नहीं चलता था कि दिन में लाइव आ चुका हूँ मैं, दिन में स्ट्रीम कर चुका हूँ। तो फिर उसके बाद फिर रात में वापस चले गए। अभी तक मेरा रात वाला चल रहा है और अभी इतना गंदा हो चुका है, क्योंकि है क्या ना, इंडिया में फुल टाइम स्ट्रीमर्स ज्यादा नहीं है और स्ट्रीमिंग इज द फुल टाइम प्रोफेशन, बहुत पॉपुलर नहीं, कम लोगों का भी नहीं है। और दिन में अगर मैं खेलूंगा, मेरा बस एक ही प्रॉब्लम है, दिन में मैं खेलूं किसके साथ, यही पंगा आ जाता है। करेक्ट, बस। और मैं दिन में स्ट्रीम करता हूँ, मैं मान लो वैलोरेंट खेल खोल के बैठ गया। अब मेरे जितने भी दोस्त हैं सब रात वाले हैं, वो रात को 8-9 बजे लाइव आना, मतलब लाइव आना या गेम खोलना चालू करेंगे तब वो आएंगे। और मैं 12-1 बजे गेम चालू किया, मुझे कोई दिख ही ना मैं किसके साथ खेलूं। मैं एक दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, और फिर उसके बाद होता है ना कि जब आपको मजा नहीं आ रहा ना, फिर ऑडियंस को भी मजा नहीं आता, ऑडियंस को मजा नहीं आया, फिर व्यूअरशिप अपने आप कम होने लग जाती है, एंटरटेनिंग कम होने लग जाती है स्ट्रीम, तो फिर मजा नहीं आता। तो अभी भी यही चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसके साथ खेलूं दिन में। और अभी मुझे फिर से, क्योंकि अब क्या है कि अब कोविड खत्म हो रहा है, अब मुझे दिन में शिफ्ट करना है, तो मैं कैसे करूं, क्या खेलूं, कैसे स्ट्रीम करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी मुझे पूरा बैठ के रिसर्च करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, नए दोस्त बनाने पड़ेंगे। इनफैक्ट यही मुश्किल है ना, यही मैं हमेशा कहता हूँ कि एज अ लाइक आज जो है टीनेजर्स जो आराम से आज कर पाते, बट एक बार फैमिली बढ़ जाते तो बहुत डिफिकल्ट होता है मैनेज करना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है मैनेज करना। पर ऐसे कभी हुआ है कि आपका कोई बड़ा दिन था कि आज कोई वीडियो प्रीमियर है, या फिर आज कोई गिव अवे है, या फिर कोई बड़ा गेम लॉन्च हो रहा है, आप बहुत एक्साइटेड हो कि आज की स्ट्रीम में तो धमाका होगा, आज की तो स्ट्रीम ट्रेंडिंग में लेके जाऊंगा मैं, और भाभी जी बोलती है या फिर घर वाले फैमिली मेंबर्स बोलते हैं कि आज तुम स्ट्रीम नहीं करोगे, वॉट एवर मे बी द रीजन, और फिर आपको कैंसिल करनी पड़ती है। ऐसा कोई किस्सा या फिर ऐसा होता है, कभी हुआ है ना? आज हुआ ना, आज गए सब लोग फैमिली डिनर पे, इन लॉस के यहाँ गए हैं, घर पे कोई नहीं है, मैं आपके साथ बैठ के यहाँ चिट चैट कर रहा हूँ। मैंने बोला उनको कि नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा, आप लोग जाओ, मेरा काम है। मैं लेके स्पेशल अपॉइंटमेंट वहां से लेके आया, आज स्ट्रीम नहीं कर रहा हूँ मैं, आज मैंने वीडियो अपलोड करी हुई, शेड्यूल करी हुई 9 बजे, और मैं आज जैसे ही यहाँ पे खत्म करूंगा फिर उसके बाद रेडी होके मुझे वहां जाना है, तो मैं वहां लेट पहुंचूंगा। बस ये हुआ कि मैंने, यार वही बात है ना कि काम को मैंने ज्यादा प्रायोरिटी दी हुई है राइट नाउ, क्योंकि अभी क्या है ना, अभी एक ऐसी स्टेज है जहां पर आपने ग्रो करने वाली स्टेज है, जहां आपने काम को प्रायोरिटी दी और ग्रो किया और लाइक कुछ चीज अचीव कर ली। एक टाइम के बाद फिर फैमिली को ही टाइम देना पड़ता है। आपको भी पता है आपका टाइम वो आ चुका है फैमिली देने वाला, हमारा अभी अभी चल रहा है कि अभी हम अपने करियर्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टूडियो के बाहर बेटी मेरी नॉक कर रही है पापा पापा करके, बस। तो अभी नहीं, अभी नहीं कर सकता। तो अजी ये कितनी इम्पोर्टेंट है वॉचिंग सक्सेस? डर लगता है कभी कि फुल टाइम हूँ मैं और कभी वॉचिंग मेरी कम हो गई तो क्या आगे, क्या फेलियर से डर लगता है ना? डर लगता है ना, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, पर डर के आगे जीत है। बस बात ये है कि इंडिया में या हर जगह बोले तो नंबर्स का खेल है बाबू भैया। नंबर्स जो लेके आ रहे हैं वो ज्यादा पैसे कमाएंगे, वो उनको पास ज्यादा स्पॉन्सर्स आएंगे, ज्यादा ब्रांड्स आएंगे। क्वालिटी को अप्रिशिएट करने वाले कम होते हैं। एग्जैक्टली। बट मैं ये नहीं कह रहा कि होते नहीं है, क्वालिटी को अप्रिशिएट करने वाले कम होते हैं, बट होते हैं। और अगर आप ऐसी कोई ब्रांड्स और ऐसी उनके साथ आप सिनर्जाइज कर जाओ जिनको क्वालिटी चाहिए, नॉट कि 10,000 लोग हैं देखने वाले बट खरीदने वाले गिन के 5 लोग होंगे उनके प्रोडक्ट्स, तो वो ना ब्रांड्स को मजा आएगा ना आपको मजा आएगा। और यू नो लाइक इट डजंट वर्क वेल। बट वही बात है कि सारी ब्रांड्स और सारी मार्केटिंग वाले इतने मैच्योर नहीं होते और इतना यू नो उनका मतलब ऐसा वो नहीं होता, लाइक माइंडसेट नहीं होता, थॉट्स नहीं होते, तो यू आर वेरी स्कैर्ड कि कब यू नो उनका चेंज हो जाए, कब आप किसी ब्रांड के साथ काम कर रहे हो या कब यू नो चीजें बदल जाए, वो कह दे नहीं तभी आप को आपके साथ काम करेंगे जब 1000 वॉचिंग आएगी या 2000 वॉचिंग आएगी, 10,000 आएगी। बट खैर अभी तो ऐसा कुछ मतलब सीन नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं जो अप्रिशिएट करते हैं क्वालिटी को, एंड दे आर वर्किंग विद अस। अजी आपकी 1 लाख की अगर हम जर्नी देखें ना, तो मैं कहूँगा कि आप शायद थोड़ा सा अपने आप को लकी मांगे। मेहनत तो आपने की है, उसमें तो कोई डाउट नहीं, बट आपको जो आप कम्युनिटी के सामने जितने जल्दी आए वो बहुत कम स्ट्रीमर आ पा रहे। तो आप मानते हो कि 1 लाख तक की जर्नी आपकी बहुत स्मूथ और बहुत अच्छी रही? डेफिनेटली मेहनत वहाँ पे है, बट उसके बाद आपको लगता है कि आप और डिजर्व करते हो, बट कहीं ना कहीं क्वालिटी को आज इंडिया में अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है? या देखो मैं आपको बस इतना कहूँगा, इंडिया एक ऐसी मार्केट है जो कि अभी शुरू हुई है बढ़ना, ठीक है, और इसकी शुरुआत हुई है मोबाइल से, ठीक है। मोबाइल गेमर्स, मोबाइल ऑडियंस इतनी है कि आप सोच नहीं सकते। True. और मोबाइल से चीजें एडवांस होंगी, ठीक है। अगर आपने 1 साल पबजी मोबाइल खेला, ठीक है, और उसके बाद आप कहो कि मुझे नेक्स्ट लेवल जाना है, मतलब इसका नेक्स्ट लेवल क्या है, तो इसका नेक्स्ट लेवल आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, या तो पीसी गेमिंग है या तो कंसोल गेमिंग है। True. और जब बंदा उस फील्ड में उतरेगा, वो चीजें एक्सप्लोर करेगा, तब उसको दिखेगा कौन? द गेमर टॉयज। तब उसको दिखेगा सिख वॉरियर, तब उसको दिखेगा राका जोन, तब उसको दिखेगा हाइड्राफ्लिक, तब उसको ये सब लोग दिखेंगे। आप समझ रहे हो? ट्रू ट्रू समझ रहे हो। और जब वो सर्च करेगा फ्री फायर, जब वो सर्च करेगा पबजी मोबाइल, जब वो सर्च करेगा मे बी मिनी मिलिशिया या सर्च करेगा क्लैश रॉयल, तो उसको हम लोग थोड़ी ना दिखेंगे। आप सोचो ना, यूट्यूब वर्क करता है रिकमेंडेशंस पे, और आपकी सर्च हिस्ट्री पे रिकमेंडेशन आती है। जब आपने आज तक कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर जोन सर्च नहीं किया है, तो आपको रेकमेंड थोड़ी ना होगा हमारा चैनल, या आपको हमारी स्ट्रीम रेकमेंड थोड़ी ना होगी। Correct. और ये बस इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट। बस कुछ टाइम आप जब दोगे ना, आप यू जस्ट नीड टू हसल, कीप ऑन हसलिंग, बस अपना बेस्ट देते रहो, आपका टाइम आएगा। एंड जैसे ही वो ट्रेंड आया, लोगों ने पीसी गेमिंग शुरू करी, लोगों ने कंसोल गेमिंग शुरू करी, लोगों ने उस गेम को सर्च करना शुरू किया, या उस चीज पीसी गेमिंग को एक्सप्लोर करना शुरू किया, बस यू आर सेट फॉर लाइफ, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतनी मेहनत करी हुई है। यू हैव द कंटेंट, यू हैव द क्वालिटी, यू हैव एवरीथिंग, पीपल विल लव इट। नए लोग जो आएंगे पीसी गेमिंग में, उनको तो टाइम लगेगा ना वो चीजें बिल्ड करने में, बट आपने इतने सालों से इतनी मेहनत करके ये सब कुछ सेट किया हुआ है ना, आपकी ऑडियंस भी पहले से सेट है। अब अगर मैं कुछ भी स्ट्रीम कर लूं, 200, 300, 400 लोग कहीं नहीं गए, वो मुझे पसंद करते हैं, वो स्ट्रीमिंग को पसंद करते हैं, गेमिंग को पसंद करते हैं, मेरे से बातचीत करना पसंद करते हैं, वो आएंगे, देखेंगे, कुछ भी खेल लो आप, ठीक है। सेम गोज फॉर यू, आप कुछ भी खेल लो, 100-200 लोग आपके जो हैं फॉलोअर्स, फैंस, वो आएंगे, देखेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपकी कम्युनिटी है, वो आपने बिल्ड कर ली, वो कहीं नहीं जा रही, समझ रहे हो। ट्रेंड जो होता है वो बच्चे और जो मतलब काइंड ऑफ होता है ना टीनेजर्स में ट्रेंड बहुत जल्दी चेंज होता है, बट जो एडल्ट्स है ना, जैसे 20 के ऊपर, उनमें इतना जल्दी ट्रेंड चेंज नहीं होता। मतलब आप समझो, प्ले स्टोर में एक गेम आई पबजी मोबाइल, ठीक है, कल को पबजी मोबाइल से अच्छी कोई गेम आ जाए फौजी मोबाइल, ठीक है, वो सारे टीनेजर्स पबजी मोबाइल को छोड़ के फौजी मोबाइल चले जाएंगे, और फिर उसके बाद ट्रेंड बदल जाएगा, फौजी मोबाइल वाले स्ट्रीमर्स एकदम बूम करने लग जाएंगे, और पबजी मोबाइल वाले स्ट्रीमर्स फिर फौजी मोबाइल पे जाने लग जाएंगे, तो ऐसा सीन होने लग जाएगा। बट जो हमारी ग्रोन कम्युनिटी है, उनमें क्या है कि जिसको वॉरजोन पसंद है या पबजी पसंद है, वो वहीं पे स्टिक करते हैं। उनका क्या है कि यार अब हमें इतना फर्क नहीं पड़ता, हमें कंटेंट अच्छा लग रहा है, हमें ये गेम अच्छा लग रहा है, हम ये देख रहे हैं, हमें स्ट्रीम अच्छी लग रही है, हम देख रहे हैं, तो ऐसी चीजें हैं। बहुत अभी 3 साल हो गए पाजी कि अच्छी खासी गेमिंग चल रही है कम्युनिटी पे, आपको लगता है हमारी कम्युनिटी रॉन्ग ट्रैक पे अभी भी, और वो सही ट्रैक में आने के लिए टाइम ले रही है? नहीं, रॉन्ग ट्रैक नहीं है, बहुत सही ट्रैक पे है। अच्छा। चल रहा है, इट्स अ स्लो रेस, स्लो जर्नी, एंड इट विल टेक टाइम टू गेट टू अ स्टेज वेयर यू विल सी इंटरनेशनल लेवल पे जो भी हमारे पीसी स्ट्रीमर्स या कंसोल स्ट्रीमर्स हैं, जो आप जिनको फॉलो करते हो, समझ रहे हो? समझ रहा हूँ। मोबाइल वाले तो अभी भी अभी तो इंटरनेशनल लेवल पे हैं, मोबाइल वाले, बट जो पीसी और कंसोल वाले हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे तब पहुंचेंगे जब इनकी डिमांड बढ़ेगी इंडिया में, इस गेम की डिमांड बढ़ेगी इंडिया में। अभी क्या है कि वैलोरेंट की इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ चुकी है कि जितने वैलोरेंट के स्ट्रीमर्स हैं उनको हजार लोग देख रहे हैं, वॉचिंग आ रही है। आप समझो क्यों? क्योंकि वैलोरेंट एक ऐसी गेम लॉन्च हुई है जो कि छोटे से छोटे, सस्ते से सस्ते पीसी पे भी चलती है और फ्री में भी है। इंडिया के लिए सबसे मेन चीज है वो, या इंडिया में फ्री चीज बहुत चलती है। तो बस वही बात है कि आप बस ऐसी चीजों का इंतजार करो जो कि लॉन्च हो और आप यू नो ऑलरेडी खेल रहे हो, बस कंटेंट आपके पास है, ये बन रहा है और चीजें चेंज होंगी एंड विद इन अ मैटर ऑफ मंथ्स you'll find success। तो कुछ ऐसा नहीं है, मतलब मुझे पता है कि मैंने अच्छा टाइम भी देखा है, बहुत अच्छा टाइम भी देखा है इन स्ट्रीमिंग और खराब टाइम भी देखा है। तो इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि कब ट्रेंड बदलता है, कब ट्रेंड आता है, कब यू नो लोगों की पसंद बदलती है। यू विल बी गुड, बस उस पर इतना नहीं सोचना है। अजय, एक इम्पोर्टेंट चीज़ पे आपसे मुझे आपकी राय चाहिए। आपने देखा होगा कि 2 साल पहले जिस तरीके से ट्रेंडिंग गेम्स, मोबाइल गेम्स, पबजी या फिर हम फ्री फायर लेते हैं, वो हिट हुए, ट्रेंड हुए इंडिया में और लोग रातों रात बड़े स्ट्रीमर बन गए। ठीक है, रातों रात बड़े स्ट्रीमर बन गए। कुछ महीनों बाद उनको ब्रांड्स मिले, वॉचिंग मिली, सुपर चैट मिला और उसमें से 80% हम पकड़ ले कि वो टीनेजर थे, 18 से 22 साल के वो बंदे थे। उन्होंने सक्सेस देख लिया, घर वालों ने देख लिया कि यार इतने बंदे इसको देख रहे, कुछ अच्छा ही कर रहा होगा। 18 से 22 भी नहीं, मैं आपको यहाँ पर चेंज करूंगा, 10 से 20 ये है टीनेज और ये है मेन ऑडियंस। तो उनके पेरेंट्स को भी उन्होंने दिखा दिया कि यार देखो देखो ऐसा सक्सेस है और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं अभी इसमें फुल टाइम जाऊंगा। ठीक है, और वही टाइम होता है जो अपने करियर को ट्रैक पे लाने का, कॉलेज हो, स्कूल हो या फिर जॉब की बात हो। अब हुआ क्या है कि जो रातों रात सक्सेस मिला है, आपको पता है कि सक्सेस को कैरी फॉरवर्ड करना या फिर मेंटेन रखना कितना डिफिकल्ट है। और आज इवेंचुअली जो ऑडियंस थी, जो देखने वाले टीनेजर्स थे, वो भी थोड़ा सा पीसी की तरफ जा रहे, कंसोल्स की तरफ जा रहे, उनका भी गेमिंग को लेकर अंडरस्टैंडिंग बदल रहा है। अब हुआ क्या है कि और बीच में ये जो बैन भी हुआ पबजी का, अचानक से वॉचिंग घट रही है, सुपर चैट्स, मेंबरशिप आना कम हो रहा है। उनके पेरेंट्स जो फॉलो करते वो देख रहे हैं कि भाई अभी तो अपने बच्चे का पहले जैसा सक्सेस है वो नहीं चल रहा है, उनके ऊपर से प्रेशर आ रहा है। और अभी हो क्या रहा है कि मेरे पास कुछ एग्जांपल भी है कि पीपल आर स्टार्टेड गेटिंग इनटू द डिप्रेशन। मैंने मेरे स्ट्रीम में 3 से 4 बार कहा है कि और 4 या 5 महीनों में डिप्रेशन इज गोना स्ट्रक इन इंडियन गेमिंग कम्युनिटी। तो आप क्या कहना चाहोगे? ये बहुत सीरियस टॉपिक है, अभी तक तो हमारे मतलब बस सुना सुने दे रहा है, बट मुझे लग रहा है कि इट्स अ वेरी सीरियस थिंग और फेल्योर को कैसे सहना है, उससे कैसे कम बैक करना है, मुझे लग रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप क्या कहोगे ये सिनेरियो को लेके? आपको लग रहा है मैं सही कह रहा हूँ जो भी बोल रहा हूँ? मैंने एक वीडियो बनाई थी, पता नहीं आपने देखी कि नहीं, वो एक वॉचिंग क्यों नहीं आ रही ये वाली वीडियो, तो वो वीडियो मैंने इसी रीजन से बनाई थी क्योंकि लोग स्ट्रीमिंग को धंधा बना के आ रहे हैं। आप समझो, पैसे दिख रहे हैं उनको कि सुपर चैटें इसको आ रही हैं तो मुझे भी आ सकती हैं, ये फ्री फायर खेल लेता है मैं तो इससे अच्छा खेल लेता हूं, मैं भी स्ट्रीम करूंगा मुझे भी आएंगी। तो एज अ धंधा आ रहे हैं, आप समझ रहे हो, उनका पैशन नहीं है। जब कोई चीज आप पैशन से करते हो ना तो आपको फर्क नहीं पड़ता है कि भैया आज मुझे 1000 देख रहे हैं, 10,000 देख रहे हैं या 500 देख रहे हैं या 50 देख रहे हैं, क्योंकि आपका पैशन है। मुझे फ्री फायर खेलना पसंद है, मैं तो खेलूंगा, चाहे 50 देखें, चाहे 100 देखें, चाहे 500 देखें, चाहे 1000 देखें। अब जब आप एज अ प्रोफेशन देखते हो, धंधा देखते हो, तो आप कहोगे आज 1000 देख रहे हैं तो मुझे 10,000 की सुपर चैट आएगी, बट आज अगर मुझे 50 देख रहे हैं तो मुझे 500 रुपए की सुपर चैट तक आएगी। समझ रहे हो? समझ रहा हूं। तो वो 50 देखना इज काइंड ऑफ अ सेटबैक फॉर देम, क्योंकि उनका धंधा चौपट हो गया। वो चौपट क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने स्ट्रीमिंग को धंधा एज अ बिजनेस या फिर सोर्स ऑफ मनी देखा, उन्होंने सोर्स ऑफ मनी देखा है, which is totally wrong and streaming is never a thing for just for money. ये just for money का खेल बाहर भी चलता है। बाहर आप भी जानते हो बहुत सारे लड़के होते हैं, बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो कि यू नो सेक्शन जो होता है स्टॉपिंग पे, हाँ, बहुत ही गंदा गलत सा सेक्शन होता है, उसमें वो गलत कपड़े पहन के दिखा रही हैं और लोग आ रहे हैं, वो सब आप समझ लो मतलब गलत तरफ है। तो बाहर भी ये सब चीजें हैं, इंडिया में भी ये सब चीजें हैं। और जब होगा ना कि एज अ प्रोफेशन, एज अ धंधा देखेंगे लोग, तो और चीजें एक्सप्लोर करेंगे और ये सब चीजें करेंगे। जो बाहर सीन मैच्योर हो चुका है वो इंडिया में भी आएगा, समझ लो। अब क्या है कि अगर कोई इंडिया में कोई स्ट्रीमर है जिसको पहले 1000 आती थी, अब उसको 1000 नहीं आ रही, अब उसको 100 आ रही है, तो वो गलत तरीके ढूंढेगा ना व्यूज लाने के। आप सोचो वो 1000 लाने के गलत तरीके ढूंढेगा। बहुत सही पॉइंट कहा आपने। क्लिकबेट करेगा, किसी के बारे में बुराइयां करेगा, इसने उसको ये बोला, उसने इसको गाली दी, अपनी ऑडियंस को, मतलब होता है ना एकदम गलत। हाँ, करेक्ट। उसको बस वॉचिंग चाहिए। पहले का कंटेंट था वो आ नहीं रहा है, उसको अब पता है कि मुझे इस तरीके से ही आ सकता है। अटेंशन एक बहुत ऐसी चीज है जो कि लोगों को जब मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है, जब नहीं मिलती लोग डिप्रेस हो जाते हैं। सोशल डायलेमा, अगर मूवी नहीं देखी है आपको, मैं सब सच बताऊंगा, आप देखो, जाओ, जो भी बच्चे या जो भी लोग देख रहे हैं, सोशल डायलेमा मूवी है, देखो, आपको समझ में आ जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जब आपको 1000 लाइक आते हैं किसी फोटो में, आपको बहुत अच्छा लगता है, यार मुझे फोटो में 1000 लाइक आ गए, हो शिट, मैं रातों रात बड़ा हो गया हूँ। बट वही अगले दिन जब आपने डाली और 500 आए और आप सोचोगे यार शिट मेरे तो 500 ही आए हैं यार, 1000 आए थे कल, मैं बेकार हो गया हूं। मैं अपनी सेल्फ वर्थ को खो देते हैं वो, और उनको वो ही नहीं होता कि यार ये क्यों हुआ है, ये मतलब लाइक वो डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं क्योंकि वो नंबर का खेल है। उन्होंने देखा अभी वो हो रहा है, इट्स जस्ट स्टार्टेड, अभी वो हो रहा है। एंड मैं बस यही बोलूंगा यार, आपको वो 500 लोग नहीं दिखते हैं क्या? वो नंबर क्यों है आपके लिए? एग्जैक्टली। वो 500 लोग 500 इंसान है, अगर वो इंसानों को खड़ा करते हैं ना तो आप यस, तो आपको पता चलेगा कि वो असली में इतने लोग हैं जो आपके कंटेंट को अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप इन 500 को इग्नोर करके आपको अलग और 500 चाहिए, 1000 चाहिए, तब आप अच्छा कंटेंट दोगे, विच इज वेरी रॉन्ग। वो 500 वो 50 लोग भी तो आपको देख रहे हैं जो अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनका अप्रिशिएशन कहाँ गया भाई? तो बस वही बात है कि लोग गलत वे में जा रहे हैं, गलत सेंस में जा रहे हैं। लोगों को अब हम क्या ही कर सकते हैं यार। मेरे पे कोई आता है चैनल पे, कोई माँ बाप आते हैं किसी के, या कोई कोई बच्चा भी आता है पूछता है मेरे चैनल को चालू करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, मैं 10th में हूँ, 12th में हूँ। मैं तो सीधा कहता हूँ भैया चुपचाप पढ़ाई करो, पढ़ाई का टाइम है तुम्हारे, इन सब चीजों में मत पढ़ो। पैशन कभी भी कर सकते हैं, पैशन तो कभी भी फॉलो कर सकते हैं। अगर पढ़ाई के साथ साथ आपके पास टाइम है तो 1-2 घंटा दे दो इसको, बट पढ़ाई हमने भी कंप्लीट करी है, आपने भी करनी है। पढ़ाई का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। मैंने बहुत सारे अभी भी देखे हैं स्ट्रीमर्स जो जॉब छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के, 10th पास हैं बस और स्ट्रीमिंग में घुस गए। कल को उनका चैनल नहीं चला, कहाँ जाएंगे वो? और डिप्रेशन में चले जाएंगे। सबसे ज्यादा प्रेशर, फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, खुद का प्रेशर, और फिर वो वही चीजें आपको न्यूज में दिखने लगेंगी। अभी ये सब चीजें न्यूज में नहीं आ रही हैं, बट आगे आप 100% लिख के ले लो, आपको न्यूज चैनल्स में दिखेगा। एक स्ट्रीमर जो कि पहले लाखों सब्सक्राइबर्स में था, अब उसको वॉचिंग नहीं आ रही, उसने कर लिया कुछ भी बुरी चीज कर ली, ये आएगा न्यूज में। आप लिख के ले लो। ये एक ऐसा प्रोफेशन बनता जा रहा है जो कि अब गलत इफेक्ट्स दिखाएगा, अपना रंग दिखाएगा, क्योंकि अभी तो नया है तो इसलिए लोगों को पता नहीं चल रहा है। 2017-18 से तो चालू हुआ है, 2017-18 में तो हमने चालू किया है जो कि हम पैशनेट है तो, और धंधा एज अ धंधा 2019 के एंड से लोगों ने, या 2019 से चालू करा है लोगों ने करना। तो लोगों को समझना चाहिए कि भाई पढ़ाई का कोई और नॉलेज का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है? आपको पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, डिग्री लेनी है, आपको नॉलेज लेनी है, स्किल्स सीखने हैं, फिर उसके बाद करो स्ट्रीमिंग जितनी करनी है, आपको रोका नहीं करो। और अगर आप कह रहे हो कि मुझे वॉचिंग नहीं आ रही, उसको वॉचिंग आ रही है, तो क्या आप उस चीज में बेस्ट हो? ये भी तो बात है ना भाई। अगर आप मानते हो कि क्रिकेट में प्रोफेशनली जाना है, ठीक है, या आपको किसी भी गेम में प्रोफेशनल जाना है, वो कहते हैं कि भाई मैं भी कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर खेल रहा हूं, वो भी खेल रहा है, उसको 1000 आ रही है, मुझे नहीं आ रही। अब भाई वो बेस्ट है उस गेम में, उसको इतना अच्छा खेलना आता है, आपको नहीं आ रहा, तो इसलिए ये भी एक रीजन है। नहीं लोग देख रहे। तो जो भी चीज कर रहे हो उसमें पहले बेस्ट बनो, बेस्ट हो जाओ, या बेस्ट नहीं है तो कोशिश करो कि आप भीड़ से अलग हो, ठीक है? और जब भीड़ से अलग होगे तो आपको लोग जानेंगे, लोग देखेंगे, लोग पहचानेंगे, और वही सब होगा चीजें। इसको एक्चुअली वही है कि मुझे आपसे यही पूछना था, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये यूथ तक जाए ये बात कि पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है, और हमेशा नंबर्स के लिए कुछ मत करो। आपको अच्छा लग रहा है इसके लिए करो, नंबर्स को इग्नोर करो। बड़े बड़े स्ट्रीमर्स हैं जिनको अगर आप एग्जाम्पल लेके देखो, वो पढ़ाई में बहुत आगे अच्छे हैं। अभी आपने जो पुराना पॉडकास्ट किया था IITN है भाई, वो कभी भी सोचेंगे कि मुझे जॉब छोड़नी है, स्ट्रीमिंग छोड़ना है, उनको जॉब मिल जाएगी क्योंकि उनके पास डिग्री है, उनके पास नॉलेज है, सब कुछ है। और राका को देखो, वो भाई साल तक उसने जॉब किया, काम कर चुका है, उसने इंजीनियरिंग करी है, सब कुछ किया है। आप टीबोन को देखो, आज भी जॉब कर रहा है, चाहे इतने स्पॉन्सर, इतना सब कुछ है भाई, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास बैकअप भी होना चाहिए। लोग आजकल बिना बैकअप के ही स्ट्रीमिंग में घुस जाते हैं। स्ट्रीमिंग इज नॉट अ प्रोफेशन भाई राइट नाउ, और 100 में से भी लगती है स्ट्रीमिंग के लिए, और क्या, और 100 में से एक बंदे को सक्सेस मिलेगी, थोड़ी थोड़ा 100 में से 100 को मिल जाएगी सक्सेस, नहीं हो सकता। तो वही है, लोग गलत वे में जा रहे हैं और ना लोगों को कोई गाइड कर रहा है, समझ रहे हो, गाइड भी नहीं कर रहे हैं लोगों को। अब बड़े स्ट्रीमर्स हैं, वो गाइड नहीं करेंगे तो कौन गाइड करेगा, आप बताओ। तो जब तक कोई गाइडेंस या कोई ऐसा नहीं होगा जो कि उनको दिखाएगा कि दिस इज द वे, दिस इज हाउ यू शुड प्रोसीड, तब तक बहुत गलत वे में कम्युनिटी जाती रहेगी। और आई वुड सजेस्ट कि भाई जितने भी स्ट्रीमर्स या गेमर्स हैं जो मिलियन सब्सक्राइबर्स या उससे भी ऊपर पहुंच गए हैं, प्लीज अपने ऑडियंस को बताओ कि हाउ इम्पोर्टेंट अदर एस्पेक्ट्स आर अपार्ट फ्रॉम स्ट्रीमिंग, कि नॉलेज लेनी है आपको, पढ़ाई कंप्लीट करनी है आपको, जॉब करनी है, डिग्री लेनी है, उसके बाद आपको एज अ प्रोफेशन करना है, तो आपको खुद देखना है। बट वो कर ही नहीं रहे, मैं किसी को नहीं देखता यार वो जो ऐसे करते हो, कोई मतलब यू नो कम्युनिटी को गाइड करता हो। बट ठीक है, आप नहीं कर रहे हैं तो क्या ही कर सकते हम लोग, जिसका जिसको मतलब हमारा काम है, हमें करना है। ट्रू 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 भाजी, कभी अपने लो मतलब वो लो फेज आपने एक्सपीरियंस किया है 3 सालों में, जो आप एक्चुअली लो हुए थे आपने, फिर अपने भाभी से कंसल्ट किया? लो इन द सेंस स्ट्रीम नहीं, वाचिंग लो नहीं, ओवरऑल स्ट्रीमिंग को लेके कभी ऐसा कुछ सिनेरियो आया कि आपको लगा कि यार ये सही नहीं हो रहा है? और सी कितना भी हो, आपको पता है वाचिंग इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी, बट इवेंचुअली आप भी इंसान हो, आपका भी, आपके भी इमोशंस है, तो वो फेज के बारे में बताओ और आपने उससे कैसे कम बैक किया? हाउ यू कम बैक फ्रॉम दैट फेज? वो क्या फेज थी एक्चुअली, व्हाट वाज द रीजन? फेज ये था कि मैं रोज स्ट्रीम करता हूँ, आपको ही पता है, और रोज स्ट्रीम जब आप करते हो ना, यू गेट आउट ऑफ कंटेंट, ठीक है? आपके पास जब कंटेंट ही नहीं होगा, लोगों को कैसे एंटरटेन करोगे और लोगों को कैसे बोलोगे कि भैया नाउ यू नो आई एम डूइंग दिस, आपको इसमें मजा आएगा, आप आओ मेरे चैनल पे, आज हम ये कर रहे हैं, आज वो कर रहे हैं। अब भाई देयर आर लिमिटेड थिंग्स यू कैन इन्वेस्ट ऑन, आप दुनिया भर की गेम्स नहीं खरीद सकते। मैं अंबानी नहीं हूँ भाई, मैं दुनिया भर की गेम्स नहीं ले सकता, मैं, मेरे पास जितने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं मुझे उतने में ही करना है। और ये बात आज से 1-1.5 साल पहले, तब तो और ज्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज थे मेरे पास, अच्छा ग्राफिक कार्ड नहीं था, अच्छा इंटरनेट नहीं था, अच्छे गियर्स नहीं थे, तो बहुत चीजें थी उस समय। और उस समय क्या होता था कि लोगों को एंटरटेन करने के लिए मैं डेली स्ट्रीम करता था। अब डेली मैं पबजी खेल रहा हूँ, या मे बी डेली जीटीआरपी खेल रहा हूँ, फिर उसके बाद लोग हो जाते थे बोर, ठीक है? अब मैं मान लो कोई और गेम खेल ली, ठीक है, बट मैं जब डेली खेल रहा होता हूँ ना, तो या डेली कंटेंट बना रहा होता हूँ, तो मैं भी बोर हो जाता हूँ। एक होता है ना कि मैं रिफ्रेश नहीं हूँ, मैं पक गया हूं, मैं बाहर नहीं गया हूं, मैंने कोई मूवी नहीं देखी है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है, एक दिमाग में ही चल रही होती है, आज मेरी वॉचिंग कम आई, आज मेरे सब्सक्राइबर, चाहे मैं चाहता नहीं हूं सोचना, बट आज वो चीज दिमाग में चलने लग जाती है, बिकॉज मैं 20 दिन से स्ट्रीम ही कर रहा हूँ, मैंने कुछ और किया ही नहीं है। फिर उस समय आता है कि यू शुड स्टेप बैक, जाओ 2-3 दिन छुट्टी लो, जाओ अपने दोस्तों के साथ कहीं ट्रिप पे जाओ, कहीं मूवी देखने जाओ अपने घर वालों के साथ, खाना वाना खाओ, बाहर जाओ, टाइम लो, जस्ट गेट इनटू रियल लाइफ। ये है वर्चुअल लाइफ, गेट इनटू रियल लाइफ। और जब आप रियल लाइफ में जाओगे ना, आपको रियलाइज करेगा कि ये सब मोहमाया भी है। मतलब होता है ना कि रोज एंटरटेन करना, हमने थोड़ी ना ठेका उठाया भाई रोज एंटरटेन करने का। आप ये बताओ भैया, कोई हमको कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है क्या आपने यूट्यूब के साथ कि आपको 30 दिन एंटरटेन करना है आप अपने सारे ऑडियंस को? मान लो चैट में अगर टोस्टर रोस्टर, कॉर्नर कैनवे, अक्षत गुप्ता हैं, आपने 30 दिन का कॉन्ट्रैक्ट लिखाया है क्या कि 30 दिन आपको इनको एंटरटेन करना ही करना है, और नहीं करोगे तो ये चले जाएंगे? बट ये बोझ हम अपने ऊपर लेके चल रहे हैं कि मुझे 30 दिन इनको एंटरटेन करना ही करना है, नहीं तो ये चले जाएंगे। बहुत ओपी पॉइंट है बाजी, बहुत ओपी पॉइंट है ये। वो कहीं नहीं जाएंगे, वो यहीं रहेंगे। बट जब आप ब्रेक इंपॉर्टेंट है ना, और ब्रेक लेके और अच्छा कंटेंट लेके आओगे, वो और ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे, कहेंगे अरे वाह यार क्या वीडियो निकाली है, मैं तो भाई फैन हो गया। तो बस यही है कि people should take a break, people should take a step back कि भाई मुझे अब कुछ और करना है, कुछ अलग करना है, कुछ हटके करना है, कुछ नेक्स्ट लेवल करना है। तो इसके लिए रिसर्च भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आप बैठ के देखो एक दिन अपना टाइम लिया कि बाहर क्या चल रहा है, इंटरनेशनल ऑडियंस, बाहर स्ट्रीमर्स क्या कर रहे हैं, बाहर कैसे एंटरटेन कर रहे हैं। मे बी यू विल गेट कि अरे यार मैं तो पोकेमॉन भी खेल सकता हूँ अपने मोबाइल पे, पोकेमॉन खेलूं, बाहर जाऊं, स्ट्रीम करूं और उससे भी एंटरटेन हो जाएंगे। मे बी दिस इज माय थिंग, ट्राई करता हूं। और आपने ट्राई किया, आपने गए 10 पोकेबॉल पकड़े और ऑडियंस खुश हो गई, पागल हो गई आपको देख के, जस्ट एन आइडिया, मतलब जरूरी नहीं है। सही बात है, सही बात है, सही बात है। तो लोगों को मजा आ गया और आप भाई एकदम यू नो ऊपर आ गए कि भाई ठीक है मैं अब पोकेमॉन भी पकड़ सकता हूँ, आपके पास एक और आइडिया आ गया। बट वही बात है ना, जब आप ब्रेक नहीं लोगे, आप कुछ देखोगे नहीं, रिसर्च नहीं करोगे, सोचोगे नहीं, तो बस यू विल फॉरएवर स्टक वही चीज रिपीट करते हुए। अभी क्या रिएक्शन है पाजी आपके फैमिली का आपके इस सब चीजों पे, हाउ दे रिएक्ट नाउ? बस वही है कि उनको पता है मेरा शेड्यूल, उनको पता है मुझे कंटेंट बनाना है, मुझे स्ट्रीम करना है, तो दे आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड। और ऐसा होता है कि अब हो जाता है ना फॉर ग्रांटेड, अरे ये लड़का तो अपना घर ही में मानेगा नहीं है, हाँ ये तो यहीं पे है, इसको जब बोलो ये हो जाएगा, ऐसे कर देगा। घर में माहौल कैसे होता है, आपकी केमिस्ट्री कैसी है पेरेंट्स के साथ? ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब ज्यादा मैं ज्यादा फिजिकली अटैच नहीं होता हूँ ज्यादा चीजों से। फिजिकली अटैच इन द सेंस मतलब आई एम नॉट वेरी इमोशनल पर्सन, मैं ज्यादा इमोशनल नहीं हूँ। हाँ बट कुछ चीजों से अंदर से इमोशनल हो जाता हूँ, शो नहीं करता बट अंदर से इमोशनल हो जाता हूँ। और मतलब होता है ना कि आप चीजें दिखाते नहीं हो बट अटैच्ड होते हो, तो वही है कि मैं ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करता हूँ बट आई लव देम। और जब होता है ना कि एक दिन कोई बीमार पड़ जाए या ऐसा कुछ हो जाए तो दुख होता है कि यार मैं जाऊं उनके पास बैठूं और वो करूं, बट फिर वही है कि ज्यादा दिखाता नहीं हूँ ना, तो अगर बैठूंगा पास तो फिर वो हो जाएगा यार कि यार अब क्या करूं, ऑकवर्ड सा हो जाता है, पता नहीं वो लगता नहीं ऑकवर्ड, ऑब्वियसली वो अपनी फैमिली है, ऑकवर्ड लगता नहीं है बट अंदर से ऑकवर्डनेस वाली फीलिंग आती है यार क्या हो रहा है। हेल्थ को लेके कभी घर वाले थोड़े से ये हो जाते, टेंशन में जाते कि मेरे उनके आपके 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 मेरे हेल्थ में क्या हुआ? नहीं हेल्थ को लेके मतलब 6-6 घंटा पीसी के सामने बैठ के नहीं, मैं खुद अपने हेल्थ के लेके कॉन्शियस हूँ, तो मैं चीजें करता रहता हूँ, जिम की मेंबरशिप लेता रहता हूं। जिम में जाते नहीं हो, होता है ना कि अब डिस्काउंट मिला आपने साल की ले ली, गए 2 महीने और फिर उसके बाद आप गए जूते खरीद लिए कि दौड़ने जाओगे। वो आपके साइकिल वाली मैंने स्टोरी देखी थी, उसका क्या हुआ? जाते हैं, आज भी गया था मैं साइकिल लेने। अच्छा। साइकिल लेके, अब वही बात है ना, साइकिल लेके समोसे लेने जा रहे हो तो हेल्थ का क्या ही। गया था साइकिल लेके समोसे लेने और स्टोरी बनाई थी तो मैं ठीक है, मतलब एक तरफ निकाल रहा हूँ एक तरफ डाल रहा हूँ, तो चलता है, इट्स लाइक इक्वेशन वही है। बट हाँ हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, मैं खुद बोलता रहता हूँ, मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि मैं जाऊं। बट एक चीज है जो मैं गलत करता हूँ जो कि मुझे चेंज करनी है, मैं एक लंबी सिटिंग करता हूँ स्ट्रीम की, जिससे मैं खुद पक जाता हूं, खुद बोर हो जाता हूं। और मैं चाहता हूं कि मैं 2 स्ट्रीम या 3 स्ट्रीम करूं, मे बी 2 नहीं तो 1 स्ट्रीम करूं, शॉर्ट स्वीट सिंपल हो, या फिर 3-3 घंटे के 2 स्ट्रीम, एक मॉर्निंग और एक नाइट वाली, जिसमें आप वाइड ऑडियंस को भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो, उसमें शायद से आपका रीच भी बढ़ जाएगा। बस प्रॉब्लम ये आती है मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। एक बार 3 घंटे बैठ गए और फिर चालू हो गए, वो 5 घंटे तक चली जाती है, वो 3 घंटे वाली 5 घंटे हो जाती है। फिर उसके बाद जब ब्रेक लेके दोबारा हो गए ना, फिर वो 5 घंटे हो गई, तो आपके दिन के 10 घंटे चले गए। करेक्ट। बस यही एक मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं इतनी अटैच्ड हूँ अपने गेम्स से, जो भी मैं खेलता हूँ, मैं अगर राजी मैं वैलोरेंट खेल रहा हूँ, मैं वॉर जोन खेल रहा हूँ, मैं कुछ भी खेल रहा हूँ, मैं इतना अटैच्ड हूँ उन गेम्स से कि मैं खेलते खेलते कब टाइम बीत जाता है मुझे पता ही नहीं चलता, और मुझे लगता है मैंने तो अभी कुछ खेला ही नहीं। और वही बात है ना, जो लोग धंधा एज अ बिजनेस करते हैं, उनको 1-1 मिनट काउंट होता है, उनको 1-1 मिनट दिखता है, और वो अपनी घड़ी देख रहे होते हैं कब मुझे 1000 लाइक आए मैं निकल जाऊं, कब मुझे 1000 रुपए तक की सुपर चैट आ जाए मैं निकल जाऊंगा। और वो निकलते कैसे कि ओके गेम खत्म, चलो बाय बाय, सी यू टुमारो, स्ट्रीम बंद। नहीं तो हमारे तो बंद करते करते आधा घंटा लगता है, हमारे तो बंद करते टॉक सीरीन पे आए, बातें कर रहे हैं और बताओ लॉन्डो क्या चल रहा है भाई, आज घर में क्या खाया, आज क्या पिया, और हम ये खा रहे हैं। बट वही बात है ना, एज अ धंधा और एज अ पैशन में फर्क है, और यही फर्क है कि आप अपने आप को रोक नहीं पाते हो, और यही फर्क है जिससे कि आपकी ऑडियंस भी आपसे अटैच रहती है कि उनको आपका पैशन दिखता है, छुपा नहीं सकते हो यार। आप कैमरे में कितना झूठ बोलोगे, कितना छुपाओगे? तो बस वही बात है, वो भी देख लेते हैं कि आप कितने पैशनेट हो उसको लेके, आप दिन ब दिन इम्प्रूव करते रहते हो, आप बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हो अपने स्ट्रीम्स, अपने गेम्स, अपने उसमें, एंड वो रिफ्लेक्ट होता है। और जब आप ऐसे ही करते रहोगे तो आप सक्सेस पाते रहोगे, धीरे धीरे ही सही, स्लो एंड स्टेडी। मेरा नहीं मानना है, स्लो एंड स्टेडी विंस रेस। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, एक एक सब्सक्राइबर करके ऊपर जा रहे हैं, बट ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, नीचे नहीं जा रहे, नीचे नहीं जा रहे। और जो बहुत जल्दी ऊपर जाता है वो इतना जल्दी नीचे भी आता है, देखा है मैंने, बहुत रेयर केसेस में होता है बहुत जल्दी भी चला गया और अभी तक ऊपर है, ऊपर है, बहुत रेयर केसेस होता है। बट जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, जितना मैंने देखा है, ऐसे ही होता है। भाजी एक मैसेज यूट्यूब के लिए, यूट्यूब गेमिंग के लिए, मुझे पता है आपके पास बहुत चीजें हैं, बट आप क्या कहना चाहोगे? मैसेज मैसेज मेरा यही है कि भाई कुछ तो इज्जत करो हमारी। पैशन नहीं, YouTube प्लेटफॉर्म को, YouTube प्लेटफॉर्म को मैं कह रहा हूं, एज अ YouTube प्लेटफॉर्म। अच्छा, एज अ प्लेटफॉर्म YouTube को, क्योंकि आप YouTube गेमिंग के सबसे फेवरेट लाडले और चहीते स्ट्रीमर रही, हमें पता है, बट आप हमेशा ओपन रहते हो, जो भी क्रिटिसाइज करना है, जो भी चीजें गलत होते YouTube से आप पहले होते हो, जो कि बोलते हो, और वही चीज हमारी आपकी हमें सबको पसंद आती है। मैं गया था YouTube के नेक्स्ट अप पे, पूरी YouTube इंडिया की गेमिंग की टीम थी, मतलब ऑब्वियसली जो बिहाइंड द सीन लोग हैं जो काम कर रहे हैं आपका, जो मैं उन बंदों से मिला हूं, उनसे बातचीत करिए जिन्होंने ये सुपर चैट और ये मेंबरशिप वाला फीचर बनाया है। जो आपको मेंबरशिप इनेबल करके दे रहा है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, मैं उनसे बात करके आया हूं और उनको मैंने मुंह पे सुना के आया हूँ, आपके इसमें ये प्रॉब्लम है, इसको आप ऐसे फिक्स करो, ऐसे सही करो, और ये दिक्कतें हैं आपके प्लेटफॉर्म में। एंड दे हैव एक्नॉलेज्ड विद माय एवरी पॉइंट, लाइक, क्योंकि भाई मैं 3 साल से एज अ पैशनेट स्ट्रीमर कोशिश पूरी कर रहा हूं कि मैं हर चीज को यू नो जान पाऊं, सीख पाऊं और उसको यूटिलाइज कर पाऊं। बट जब प्लेटफॉर्म में ही रिस्ट्रिक्शंस हैं तो मैं क्या ही करूंगा, आप समझो। मैं बहुत सारे चीजें उठाई हैं कि भाई जैसे आपको कॉपीराइट स्ट्राइक लगता है, तो कॉपीराइट स्ट्राइक लगता है, और YouTube एज ए वीडियो प्लेटफॉर्म था, और ये रूल्स तब बने थे कि जब कॉपीराइट स्ट्राइक लगता है आप 90 दिन तक लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते, ठीक है। एक लाइव स्ट्रीमर को अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए, पहली कॉपीराइट स्ट्राइक, वो 90 दिन तक उसका तो धंधा ही बंद हो गया, उस कमाएगा क्या, खाएगा क्या, वो करेगा क्या? तो मैं बहुत सारी चीजों पे पॉइंट आउट किया उनको, उन्होंने कहा कि हम इस पे वर्क कर रहे हैं, हम इस चीज पे वर्क कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने वर्क किया भी है, बहुत सारी चीजों के फीचर्स और फीडबैक को लिया भी है, बट स्टिल इट्स नॉट अप टू द मार्क ना पाजी, क्योंकि आप ही सबसे ज्यादा समझ पाओगे, क्योंकि आप फुल टाइम स्ट्रीमर हो और आपके लिए एक एक फीचर, एक एक बग बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा बड़ा बग है कि भाई नोटिफिकेशंस, अरे देखो पकड़ लिए ना, नोटिफिकेशंस नहीं जाते। अब भाई उनका कहना भी सही है, लोग यहाँ पर 100 चैनल्स 1000 चैनल्स को सब्सक्राइब करके बैठे हैं, सिर्फ हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्यों देखें? और नोटिफिकेशन अगर हर चैनल की सबको आएगी तो लोग नोटिफिकेशंस ही बंद कर देंगे, आप बात समझो, पॉइंट है। तो उनका अलग ही पंगा है, जिनको आप ज्यादा देखते हो उनकी नोटिफिकेशन आपको रेगुलर आएगी, रोज आएगी, और जिनको आपने महीने में या हफ्ते में एक बार देखा है, उसकी आ गई नोटिफिकेशन तो आ गई, नहीं आई तो आप किसी को पता भी नहीं चलेगा, भनक भी नहीं लगेगी आप लाइव था। तो बस इसी के और उपाय और जो ऑप्शंस होते हैं ना कि कैसे डिस्कवरेबिलिटी, कैसे उसको बढ़ाएं, ये मैंने बहुत सारे फीडबैक्स दिए हैं। और अभी आज को अलग रखो और कंटेंट क्रिएटर्स को अलग रखो, ऐसे कुछ बहुत कुछ। अब जैसे मैं एक फीचर में बता के आया था उनको और उन्होंने उस पे वर्क किया। जैसे आप सब्सक्रिप्शंस टैब पे जाते हो कि मैंने जो इसको सब्सक्राइब किया उनमें से कौन अभी लाइव है या कौन किसका नया वीडियो आया है, देखते हो ना यूट्यूब के ऐप में, तो उसमें जो लाइव स्ट्रीम्स हैं उनको प्रायोरिटी नहीं दी हुई है इन्होंने, समझ रहे हो? प्रायोरिटी उसको दी हुई है जिसको आपने सबसे ज्यादा देखा है, समझ रहे हो? अब मान लो कोई लाइव स्ट्रीम कर रहा है, वो कंटेंट तो अभी राइट नाउ चल रहा है ना, और अगर आपने वो लाइव स्ट्रीम लाइव नहीं देखा तो वो उसका मेन अट्रैक्शन चला गया ना। ट्रू। तो अगर लाइव स्ट्रीम्स टॉप पे आपके सब्सक्रिप्शन टैब पे नहीं आएंगी तो हाउ विल यू नो एंड हाउ विल यू एंजॉय हाँ उसकी लाइव स्ट्रीम? और आप क्यों ट्यून इन करोगे, कब ट्यून इन करोगे? नहीं करोगे। अगर एक बार बंदा की 6 घंटे की लाइव स्ट्रीम एंड हो गई तब थोड़ी ना आप ट्यून इन करके 6 घंटे की लाइव स्ट्रीम देखोगे, बहुत ही रेयर केसेस में होता है ऐसा, समझ रहे हो? अब वही चीज मैंने उनको एक्सप्लेन करी, वही चीज मैंने उनको पॉइंट रखा, उन्होंने एक्नॉलेज किया, बट अभी भी उस पर वर्क नहीं हुआ। अब आप कभी नोटिस करना, अब जब सब्सक्रिप्शन टैब खोलोगे पहले शुरुआत में 2-3 लाइव स्ट्रीमर्स आएंगे, फिर बीच में वीडियोस आएंगे, फिर कुछ लाइव स्ट्रीमर्स आएंगे, और जब आप नीचे और स्क्रॉल करते जाओगे ना आपको लास्ट में भी कुछ स्ट्रीमर्स दिखेंगे जो लाइव है। ये बताओ उन जो लास्ट में दिख रहे हैं उन्होंने क्या YouTube पे कम पैसा दिया है, कब कम वो किया है, टाइम दिया है या कम मेहनत की है क्या? उन्होंने किसका क्या बिगाड़ा है? वो जो नीचे बैठे हुए हैं उनको क्यों नहीं डिस्कवरेबिलिटी दे रहे हो आप? और ऐसे ही हम हमारे लिए भी तो होंगे, मतलब मेरा चैनल भी तो किसी के लिए एकदम बॉटम पे होगा। तो व्हाई इज इट लाइक दैट? ये आपने ऐसा क्यों बनाया है? बट वही बात है कि इसका क्या कर सकते हैं, बस हमारा काम है, हमें रेस करते रहना है। YouTube इंडिया जो है वहां पे कुछ भी डेवलप नहीं होता है, बस वो मैनेज करते हैं और आपसे फीडबैक लेते हैं और ये फीडबैक फॉरवर्ड करते हैं यूट्यूब के जो स्वीडन की टीम है, जो स्विट्जरलैंड की टीम है, जो ग्लोबल टीम है, उनको फॉरवर्ड करते रहते हैं और फिर वहां से चीजें चेंज होती हैं। दे दिया है हमने, बहुत सारी चीजें देते रहते हैं। हर मंथ हमारा एक सेशन होता है, उसमें हम बातचीत करते हैं। और अभी भी एक बग चल रहा है मेरे चैनल के साथ, मैं किसी को सुपर चैट ही नहीं कर पाता। मेरे साथ भी तो वही चल रहा है बस। और मैं जितनी बार भी इसमें वो किया हुआ है, क्या नाम है, जितनी बार भी उनको सपोर्ट पे गया हूँ और मेल लिखी और सही करवाया है, ये मेरा एक हफ्ते के लिए सही हो जाता है, उसके बाद फिर से खराब, फिर से पंगा आ जाएगा। आई डोंट नो क्यों। अब मैं अगर मैं सुपर चैट नहीं कर पा रहा हूँ किसी को और आप नहीं कर पा रहे हो, ऐसे आपके व्यूअर्स भी तो होंगे जिनको सुपर चैट करनी है और आपको नहीं कर पा रहे हैं। आपका रेवेन्यू कम हुआ, एंड क्यों? क्योंकि यूट्यूब की वजह से, यूट्यूब का बग, एंड यूट्यूब इज नॉट एक्नॉलेजिंग दिस बग। उनको समझ ही नहीं आ रहा है। सर मेरी 50 से 60 पेजेस की मेल थ्रेड है इस इश्यू को लेके, मैं क्या बोलूं। मेरे खुद मेल थ्रेड है, मेरा हर दूसरे हफ्ते मेरा मेल थ्रेड चलता है। मैं बस वही हूं, जो चल रहा है चलते रहो भैया, अपना दौड़ाते रहो। ओके बाजी, मैं आपसे, जैसे मैंने कहा कि बहुत टाइम से हम आपको देखते हैं, हम आपके फ़ैन हैं, पसंद करते हैं आपका कंटेंट। मैं एक चीज़ हमेशा आपके बारे में मेरे चैनल पे कहते रहता हूँ कि टॉक्सिसिटी, गाली गलोच, बहुत कम रेज आपको पाजी के चैनल पे देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपके इंट्रोडक्शन में भी कहा कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है, ये फीलिंग हमेशा पाजी के स्ट्रीम से हमें आती है। बट 2 दिन पहले राजी गेम में नाग देवता ने सिख पाजी के नाक में दम करके रखा था, और उस टाइम पाजी के मुंह से जो गालियाँ, जो रेज और जो बसड़ हुई, मैंने कहा भाई ये मैं किसके चैनल पे आ गया पाजी, वो क्या चल रहा था वहाँ पे? हाँ 2 घंटे लग गए ना जिस लेवल को पार करने में। मेरा पेशेंस इतना नहीं है, अगर आप गेटिंग ओवर दे दोगे ना मुझे, मैं रेज कर बैठूंगा, कुछ ना कुछ टूट जाएगा। मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है, इसीलिए मैं वैसी गेम्स नहीं खेल पाता हूँ जो कि मतलब होता है ना कि एक जो मिलीमीटर की मूवमेंट्स होती है ना उस पर डिपेंड करता है आप हारोगे या जीतोगे या कंप्लीट करोगे लेवल। उस लेवल पे मैं नहीं खेल पाता हूँ क्योंकि मेरे अंदर उतना पेशेंस ही नहीं है कि मैं बैठ के आधा घंटा या 15 मिनट वेट करूँ उस राइट मोमेंट का जिसमें आपका लेवल पार हो जाएगा। तो ठीक है, उसकी वजह से थोड़ा सा रेज हो जाता है और थोड़ा सा हो जाता है, बट वही बात है कि दैट एड्स सर्टेन वैल्यू ऑल्सो, वैल्यू इन द सेंस वो एंटरटेनिंग बना देता है। और उस पॉइंट पे मेरी व्यूअरशिप इनफैक्ट बढ़ी थी जब मैं पार नहीं कर पा रहा था। सर मैं बताऊं आपको कि पाजी मैं लाइव था उस टाइम पे, मेरे चैट में बंदे आए, चिकी भाई सिख पाजी के चैनल पे चलो जल्दी चलो, तो हमने लाइव आपका वो गेम देखा एंड वी वर लाफिंग लाइक एनीथिंग। मतलब ये चल गया रहा है भाई, आप मतलब आपकी जो रिएक्शंस थी, और बड़ा मजा आया। मैं देख रहा था कि आप डिस्कॉर्ड पे लाइव हो क्या, तो मैं डिस्कॉर्ड पे आके आपको बताने वाला था कि इसकी ट्रिक क्या है, क्योंकि हमने उसको फर्स्ट ट्राई में कर दिया था। बट जस्ट कहने का ये कि मजा आया, मैं वो देखने में बड़ा मजा आया। ठीक है कोई नहीं, कभी बड़ा नहीं अच्छा था वो, इट वाज नहीं हो पाती। और एक इंसिडेंट के बारे में आपसे बात करूंगा पाजी कि आप अगर उस इंसिडेंट को याद करते तो आपको कैसा लगता है? आप जनरली कंट्रोवर्सी से दूर रहते हो, आप कभी भी कंट्रोवर्सी से अपने चैनल को ग्रो करने का आपने कभी सोचा नहीं, ना कभी आप फ्यूचर में सोचोगे, इतनी हमें गारंटी है। बट जो इम्यूलेटर वालों का जब टाइम चल रहा था, यू वर क्वाइट वोकल ड्यूरिंग दैट टाइम, और आपका एक आपकी एक्शन थी, एक जो इंसिडेंट था वो काफ़ी वायरल हुआ, और उस इंसिडेंट की वजह से बहुत सारे कंट्रोवर्सी चैनल भी खड़े हुए, बिल भी के उन्होंने उस इंसिडेंट के बेसिस पे, जहाँ पे आपने ऑन स्ट्रीम इम्यूलेटर जो चैनल्स है उनको अनसब्सक्राइब किया, और आप बहुत ज़्यादा वोकल थे उस टाइम पे, आप एग्रेसिव भी थे। तो आज आपको, आप जब उसको याद करते हो तो आपको लगता है कि मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था, बीइंग अ मोर मैच्योर्ड, आज आप जो हो, आप जिस मुकाम पे आज हो, तो कैसे देखते हो आप उस इंसिडेंट को? हाँ मैं आज भी यही सोचता हूँ कि मुझे नहीं करना चाहिए था, बट अब अगर मैं ऐसे देखूं यार मैं नोबडी था उस समय, नोबडी इन द सेंस मेरे 5-6 हजार सब्सक्राइबर थे उस समय, और लाइक बस ये था कि 5-6 हजार सब्सक्राइबर्स में भी मेरी ठीक ठाक वॉचिंग आ रही थी। तो मैं, होता है ना कि आपने उतनी दुनिया नहीं देखी होती है, स्ट्रीमिंग को उतना नहीं किया होता है कि कब कोई चीज वायरल हो जाएगी, कब कोई आप पे ऐसी वीडियो बना देगा, लोग इतना देखने लग जाएंगे, कोई आपको एज अ, मतलब मैंने वो जो चीज की थी ना उसका एक पूरा रीजन था और पूरा एक पार्ट था जो मैंने बोला था और उस वजह से किया था। बट जो होता है ना, लोगों को दिखाना होता है कि भाई इसने ये किया, और उसको एज अ नेगेटिव वे में दिखाना होता है। तो उन्होंने एडिट करके उसको ऐसे दिखाया कि आई एम द कल्प्रेट हियर, मैंने ये गलत किया है और मैंने मतलब जानबूझ के इनको नीचा दिखाने के लिए ऐसे किया है, जो कि मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था। गौर से देखिए इस इंसान को, गौर से देखिए इस टॉक्सिक इंसान को। मेरा इंटेंशन बस इतना था कि मैं जब भी YouTube खोलता था मुझे बस वही चीज रेकमेंड होती थी स्ट्रीम पे कि भाई ये एमुलेटर की स्ट्रीम है, ये एमुलेटर की स्ट्रीम है, ये एमुलेटर। अब उसको रोकने के लिए मैं क्या कदम उठा सकता हूँ? मैं यही उठा सकता था, मुझे जो उस समय लगा था कि मैं उसको कर देता हूँ। बट वही बात है, ये चीज मैं ऑफ स्ट्रीम करता तो नहीं, नहीं होता। ये अपनी गलती मानने में भी बड़ा दिल लगता है, हिम्मत लगती है, एंड वी अप्रिशिएट कि आप, हमें पता है कि आपके पीछे कोई रॉन्ग ये नहीं था आपका, कोई मकसद नहीं था आपका, बुरा मकसद नहीं था, वो हो गया। बट चलो, जो चीज हो गई। एंड मैं ऐसा हूँ कि मैं मुंहफट टाइप का हूँ, ठीक है, और मैं जो गलत लगता है ना बोल देता हूँ। मैं जैसे आपको बताया ना यूट्यूब के इवेंट में, जिसने जहाँ पे मुझे उन्होंने पैसे दिए, मतलब पैसे इन द सेंस मतलब गिफ्ट्स वगैरह थे आपको, छोड़ो आप, मुझे 5 स्टार होटल में बुलाया, रुकवाया, और उन्होंने इनवाइट किया, और लाइक एक पूरा वो सेशन चल रहा हमारा 1 हफ्ते का कैंप, और उसमें मैं उनको सुना के आ रहा हूँ। तो आप सोचो कितना बड़ा मुंहफट इंसान हूँ मैं। तो वही बात है कि लाइक उतना मुंहफट कभी कभी जब आप होते हो ना, तो कोई चीजें गलत वे में चली जाती हैं और गलत हो जाती हैं। आप बाद में रियलाइज करते हो, यार मुझे उस समय नहीं बोलना चाहिए था। बट वही बात है कि जब आपका नेचर ही ऐसा है तो फिर लाइक उसको चेंज होने में या उसको रियलाइज करने में काफी टाइम लगता है। और जब आप एक्नॉलेज करते हो, जब आप सोचते हो उस बारे में, तो आपको लगता है हाँ यार मैंने गलती कर दी थी। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट भी हैं कि जहाँ मुझे ऐसा लगता था, स्कूल टाइम से चलता आ रहा है कि जहाँ मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी, बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था। तो रियलाइज आज भी होता है, बट वही बात है कि इस लाइफ एक बार जो कर दिया वो पीछे कर दिया। वापस ले नहीं सकते हो, बस इम्प्रूव करो आगे जाने का, कि हम वो गलती ना करें फिर से। तो ठीक है पाजी, तो यार बहुत चीज़ें आपके बारे में पता चली, बट अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक फन सेशन की तरफ बढ़ते हम। और हमने हमारी ऑडियंस से कल पूछा था कि आप सीख वॉरियर से क्या क्या सवाल पूछने चाहते हो, तो उसमें से हमने कुछ फन क्वेश्चन जो है हमने शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं। अभी ये जो हमारा होगा काइंड ऑफ रैपिड फायर राउंड होगा, जहाँ पे आपको थोड़ा सा जल्दी में आपको आंसर्स देने हैं, ठीक है? तो आप रेडी हो? रेड बुल ले लो, एनर्जी आ जाएगी। और हम लोग चालू करते हैं सेशन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आपने बहुत सारे स्ट्रीमर्स के साथ कोलैब किया था, ऐसे एक स्ट्रीमर का नाम बताओ जिसके साथ आपने बहुत एंजॉय किया और आपको लगता है कि इसके साथ हमेशा कोलैब, उसके साथ साथ में खेला जाए। वो स्ट्रीमर और उसके बारे में ज़रा बताइए, वो कौन है वो जो आप बड़ा एंजॉय करते हो उसके साथ खेलने में? माइकल। ओह ओके, इंटरेस्टिंग। बताइए जरा, एलैबोरेट की क्या क्या ऐसी बात है? एलैबोरेट भी करना। अच्छा, मतलब मैं, वही बात है कि जब होता है ना कि आप कुछ ऐसे स्ट्रीमर या ऐसे दोस्त लोगों के साथ खेलते हो जिसमें आप खुल के हंस पाते हो, खुल के एंजॉय कर पाते हो, तो वो आपके बेस्ट पार्ट को निकाल के लेके आता है। और आपको सोचना नहीं पड़ता है मैं क्या बोलूं, क्या नहीं, क्या करूँ, क्या नहीं। तो उनको भी पता है कि वो उसको फन वे में लेंगे, आपको भी पता है वो फन वे में, एक फनी माहौल रहता है और एक मस्त मजा आता है, ऑडियंस को भी मजा आता है। तो अभी रिसेंटली मैंने खेलना चालू किया और जब से खेल रहा हूँ तब से काफी मजा आ रहा है, एंड आई वांट टू कंटिन्यू इट एंड कीप ऑन एक्सप्लोरिंग, कीप ऑन एंजॉयिंग अदर गेम्स आल्सो, जिसमें कि हम ढेर सारा कंटेंट निकाल सकते हैं, ढेर सारा एंजॉय कर सकते हैं। इससे पहले जब आप मतलब किसी बड़े स्ट्रीमर के साथ खेलते हो ना, तो बड़े झिझक में खेलते हो कि मैं क्या बोलूं, क्या नहीं बोलूं, क्या करूं, एक प्रेशर रहता है। कुछ एक चीज गलत बोल दी, किसी उसके सब्सक्राइबर ने कोई वीडियो बना दी और उसको नेगेटिव वे में दिखा दिया, बस भाई लग गई लंका, हो गया भाई काम। वही सेम हाल उस समय भी हुआ था। ये जो आप कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हो ना, ये इसी वजह से हुआ था। कोई बड़े स्ट्रीमर के साथ खेल रहा था और उसी के किसी सब्सक्राइबर ने भैया देख लिया और लगा दी लंका, उसको नेगेटिव वे में दिखा दिया, और बस फिर क्या था, फिर तो भैया। आपका जो अभी माइकल के साथ आप जो खेल रहे हो कॉल ऑफ ड्यूटी, मैं बहुत बार अगेन हमारी स्ट्रीम पे वो कॉल ऑफ ड्यूटी ओपन करके दिखाता हूँ, आपने लिटरली एक मरे हुए गेम को इंडिया में फिर से जिंदा कर दिया है। आई मस्ट से दैट क्रेडिट गोज टू माइकल, यू, बियर डेड, और आपको देख के अभी स्क्वाड स्काउट भी ज्वाइन हो रहा है। स्काउट की वजह से बहुत मोबाइल ऑडियंस अभी कॉल ऑफ ड्यूटी में इंटरेस्ट दिखा रही है। तो ऐसी हम कम्युनिटी ग्रो करेंगे, इसको इसके लिए तो क्रेडिट मतलब ये आपका बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन मैं कहूँगा। ट्रू ट्रू ट्रू, यही चीज मजा भी आता है, बहुत मजा भी आता है। आपके इंडिया के 5 फेवरेट स्ट्रीमर बताओ, इनको आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, बट नेम योर 5 फेवरेट स्ट्रीमर्स, इंडियन 5 फेवरेट स्ट्रीमर जो कि आप फ्री टाइम में देखना चाहते हो। हाइड्राफ्लिक, ओके, राका जोन, जाया, वेट लेट मी, 3 हुए ना? तीन हुए, और एसके एंड one more, Michael, yeah, Michael, okay, nice. Indian story which you would like to see converted to the game. अभी राजी गेम आया था and बहुत प्राउड मोमेंट थी हमारे लिए। एक और उसमें टीबोन भी ऐड कर देना। टीबोन का नाम याद नहीं है बाद में, टीबोन चलो भी आता है टॉप में। ये आपके जब फ्री होते हो तो आप जब इनको देखते हो तो आपको लगता है कि चलो मजा आ गया। बस, और बस यही होता है ना कि जब कंटेंट आप 10-10 घंटा बना रहे होते हो ना, देखने को भी 15 मिनट मिलता है। हाँ, टाइम नहीं मिलता है, बस 10-15 मिनट हाय हेलो कर लो। और चैट में तो जा ही नहीं पाते, और कभी चले गए तो फिर भैया चैट पकड़ लेती है, पकड़ लेती है, हाजी शाउट आउट दे दो। फिर चैट जब पकड़ लेती है फिर तो भाई हो गया काम। नाइस। अपनी इंडिया की तो बड़ी रिच हिस्ट्री आपको पता है, लाइक रामायण महाभारत से लेके हमारी फ्रीडम फाइट से लेके बहुत कुछ चीज़ें, वी आर वेरी रिच व्हेन इट कम्स टू द हिस्ट्री। तो राजी गेम के आने के बाद से बहुत एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है इंडियन डेवलपर से, स्टूडियोज से, और इसमें फिर से एक बार मैं जिक्र करना चाहूँगा आपका और TGT फैमिली की तरफ से और इंडियन गेमिंग कम्युनिटी की तरफ से। मैं आपको फिर से थैंक यू कहना चाहूँगा कि यू आर द फर्स्ट वन जिन्होंने राजी के बारे में लोगों को अवेयर किया। अब लोग मुझे कुछ जाके कहते हैं कि सिख पाजी इतना लेट क्यों कर रहे हैं राजी को खेलने में, ये तो उनको मुझे बताना पड़ा कि भाई जिनको पता नहीं था राजी क्या है, 2 महीने पहले सिख पाजी ने उसका बीटा खेला था और लोगों को अवेयर किया था ये गेम क्या है, क्योंकि मुझे राजी के बारे में आपके स्ट्रीम से पता चला। ठीक है, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया में जैसे स्ट्रीमर्स में, इंडिया के स्पोर्ट्स प्लेयर में वो क्वालिटी है, वैसे हमारे डेवलपर्स में क्वालिटी है, और राजी के बाद मुझे लग रहा है कि एक नया दौर हमारा चालू होगा इंडियन डेवलपमेंट में। तो आप ऐसा कौन सी इंडियन हिस्ट्री का पार्ट देखना चाहोगे आने वाले इंडियन डेवलपर्स की तरफ से जो कि एज अ स्टोरी वो कन्वर्ट हो जाए? आपके डिजाइन में है, आपको लगता है कि यार ये पार्ट अगर इसकी स्टोरी बन जाए, इसका गेम बन जाए तो बड़ा मजा आएगा, और ये ग्लोबल लेवल पे इंडिया को एक असैसिन क्रीड टाइप का गेम बन जाए तो आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कैसा कैसा हो जाए, मतलब असैसिन क्रीड आपने ओडिसी खेली है? नहीं खेली है, मतलब लेटेस्ट यस उस टाइप का ही महाभारत का गेम, महाभारत का गेम जिसमें 5 पांडवास को आप स्विच कर सकते हो, अलग अलग मिशन हो, भीम लेके आप एक मिशन कर लो, अर्जुन लेके, जो भी है, मतलब हाँ उसमें एक मेन कैरेक्टर हो जिसके अराउंड वो गेम हो। अच्छा, या मे बी फैंटेसी हो, मतलब महाभारत जैसी स्टोरी हो बट नॉट यू नो टेकिंग द नेम्स या ऐसा कुछ, क्योंकि बहुत इंस्पायर्ड होता है, इंस्पायर्ड होता है। यस, एक गलत चीज आपने कहीं बोल दी या कुछ दिखा दिया और पूरी कंट्री आपके पीछे पड़ जाएगी, तो इट्स very hard to pull this off, and Rajii did such an amazing job कि सबको कुछ करके और you know, इतनी बढ़िया गेम बनाई है, and कोई भी इसमें offend नहीं हुआ, क्योंकि जब आप religion को लेके कुछ चीज कोई गेम बनाते हो तो offend होने वाले बहुत होते हैं। मे बी आपने इस गेम में जिसको विलन दिखाया उसकी पूजा करने वाले कोई कम्युनिटी हो जो कि हो कुछ, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो इट्स वेरी हार्ड एंड दे पुल्ड इट ऑफ, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, कितना बढ़िया गेम खेला है मैंने, जो ऐसी गेम्स आती रहे, राजी के कल्चर की छोड़ो, इंडियन टच हो उस गेम में, उसमें मजा आता है। जैसे इससे पहले मैंने खेली थी फार क्राई 4 या 3, कौन सी 4 वाली थी, अपने नेपाल वाला, हिमालय वाला वो था, और वो इसको इतना एंजॉय किया था मैंने खेलते वक्त, इतना एंजॉय किया था कि पूछो मत आप। वो हिंदी गालियां भी थी उसमें। ये सॉरी, नहीं अपना पूरा 18+ अटेंशन मतलब। नाइस पाजी, आपने जैसे मैंने पूछा आपको आपके 5 फेवरेट स्ट्रीमर्स, आप में उसने राका का भी नाम लिया, तो आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप में है और राका में नहीं है, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो राका में है और आप में नहीं है? क्वालिटी मतलब क्वालिटी इन द सेंस, मतलब किसकी? ये जो पहले तो बताओ जो आप में है और राका में नहीं है। अच्छा, मतलब इन किस चीज की, मतलब कुछ भी, व्हाटएवर, मतलब आप लाइक पर्सनल लेवल, मतलब ऑफ स्ट्रीम की भी बात कर सकते हो क्योंकि आप राका से मिले भी होंगे पर्सनली, तो ऐसी कौन सी चीजें आपको लगता है कि जो आप में है और राका में नहीं है, और राका में है और आप चाहते थे वो आकाश आप में होती। उस लेवल का एंटरटेनमेंट, मतलब मैं उस लेवल का एंटरटेन नहीं कर पाता जितना वो कर सकता है, कर सकता है। ओके एंड हाँ, मेरे अंदर वो स्किल और क्वालिटी है वो जो एफपीएस गेम्स को मास्टर कर सकते हैं, उसके अंदर नहीं है वो। अच्छा, वाह नाइस। वो रो देता है वो। ओके, गुड वन गुड वन गुड वन। आपकी फेवरेट गर्ल स्ट्रीमर किसको आप ज्यादा देखना पसंद करते हो, अंकिता सी या फिर जाया? मैं क्यों, दो क्यों, और भी तो हैं बहुत सारे। आप बड़े हो रहे हो हैं, हमने साइड ले हमारे तो। नहीं नहीं ठीक है, तो आप बताइए कि आप कौन से गर्ल स्ट्रीमर्स को देखना पसंद करते हो? फॉरगेट अबाउट दिस ऑप्शंस। आपको पता नहीं होगा, मैं जाया को काउंटर स्ट्राइक के टाइम से जानता हूँ। मैं 2014-13 में जब काउंटर स्ट्राइक खेलता था तब से मैं जाया को जानता हूँ और तब से मेरी बातचीत होती है और मैं हम लोग तब से फ्रेंड हैं और तब से खेल रहे हैं। मैं उसके साथ काउंटर स्ट्राइक खेलता था, उसके साथ ओवरवॉच खेलता था, जब आपको बताया बैंगलोर में खेलता था, और उसके बाद हम लोग ने PUBG खेलना शुरू किया। फिर उसके बाद हम लोग ने इतनी गेम्स खेली हैं साथ में कि आई लाइक हर एज अ पर्सन एंड आई एंजॉय वॉचिंग हर स्ट्रीम्स एंड बहुत सही, बहुत मजा आता है। मतलब वो ऐसी गर्ल स्ट्रीमर है जो ऑलमोस्ट उसने मतलब बहुत कम ट्रेंडिंग गेम खेले एंड विदाउट ट्रेंडिंग गेम उसने वैरायटी स्ट्रीमिंग करके इतनी ग्रोथ हासिल की हुई है। या शी इज पैशनेट फॉर गेमिंग। ट्रू, वो बिजनेस या धंधे के तौर पे नहीं आई है कि मैं लड़की हूं, मैं लड़की होने के नाम पे मैं अपनी खूबसूरती दिखा के ऐसा पैसे ले लूं और स्ट्रीम करूं, ऐसा नहीं है। और बहुत ही अच्छी एज गेमर है, बहुत ही अच्छा खेलती है, बहुत अच्छी स्किल्स एंड एंटरटेनिंग स्ट्रीम्स होती हैं, बहुत मजा आता है मुझे तो देखने में। ऐसा कोई मेमोरेबल इंसिडेंट बताओ आपके स्ट्रीम पे जो कि बहुत ज़्यादा फनी हो या फिर ऑकवर्ड हो, बट आप हमेशा जब भी आप स्ट्रीमिंग के आपके करियर को रिलीव करोगे तो आप वो इंसिडेंट हमेशा आपके जहन में रहेगा। कोई भी एकदम मतलब खतरनाक वाला धमाकेदार कोई इंसिडेंट बताओ जो कि हमेशा याद रहता है आपके दिमाग में। ऐसा कुछ जब मैंने 100K क्रॉस किए थे तो मतलब ऐसा था कि मैं GTRP खेल रहा था और GTRP में मतलब मैं बहुत ही ऐसा वो ऑफिसर का रोल निभाता था, जैजी डी करके, तो बड़ा बहुत सही सीन था। उसमें बैंक रॉबरी हो रही थी, मुझे आज भी याद है, बैंक रॉबरी हो रही थी और सारे जितने ही पुलिस वाले थे सब मर गए थे और 4 बैंक रॉबर थे अंदर और मैं बाहर था। उन्होंने मतलब वो कर दिया था, शूट आउट कर दिया था, शूट आउट हो चुका था। मैं गया अंदर, भाई साहब निकाली अपनी SMG और बाइक से उतरा, SMG निकाल के अंदर दे दनादन अपने पूरे PUBG वाले स्किल्स निकाल दिए थे और वो पॉइंट था, मैं 99,900 कुछ पे था और जैसे ही वहां पर वो शूट आउट खत्म हुआ और सबको खाली कर दिया ना, 100K कंप्लीट। ओपी 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 वो होता था ना, मतलब होता है कि बैंक लूटने से बचा लिया और यहाँ पर भाई 100K हो गए। आई थिंक इसके बाद ही तुरंत सेलिब्रेशन भी हो ना, केक वगैरह आप लेके आए थे स्ट्रीम पे रात को, फिर वहां स्ट्रीम एंड करी थी। मेरे इन-लॉज आए थे और फिर उसके बाद हम लोग बाहर गए थे, डिनर किया था और वहां पर केक काटा था एंड बहुत बहुत सही था, मजा आया था। अमेजिंग, बढ़िया। तो ये आपकी सबसे लाइक फेवरेट मोमेंट है ऑन स्ट्रीम अभी तक की? या अभी तक की और भी बहुत सारी होती थी। एक टाइम ऐसा था जब मैं कैरी के साथ खेल रहा था एंड पटापट 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 हेडशॉट्स पे हेडशॉट्स मार रहा था PUBG में। वो बहुत पहले की बात है, 6-7 हज़ार सब्सक्राइबर्स थे एंड हाँ, कैरी ऑफ स्ट्रीम खेल रहा था, मैं ऑन स्ट्रीम खेल रहा था एंड मतलब होता है ना कि आपने एक इतने बड़े स्ट्रीमर के साथ खेल रहे हो। उस समय मैं जानता भी नहीं था दादा, उस समय तो खेल रहे थे और फिर उसके बाद कैरी करके उसको कैरी करके हमने चिकन डिनर लिया था एंड ही वॉज सो हैप्पी, इतना खुश हुआ था। आई थिंक उसका फर्स्ट या पता नहीं कुछ मतलब होता है ना कि उसने शुरुआत ही की थी एंड उसको डिनर मिला था, तो भाई वो इतना खुश हुआ था, उसको खुश देख के मैं भी बहुत खुश हो गया था। एंड फिर ऐसा हुआ था कि भाई जब इतना मतलब होता है ना कि बड़ा यूट्यूबर ऐसा खुश हुआ आपकी स्किल्स देख के, ऐसा तो वो बहुत अच्छी फीलिंग थी। बढ़िया बढ़िया, वाओ नाइस। ओके, व्हिच ब्रांड शुड स्पॉन्सर बिलो स्ट्रीमर्स अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनैलिटी? ठीक है, नॉन PC ब्रांड्स, बाकी अपने लाइफ के कोई भी ब्रांड्स पकड़ लो। राका, मतलब समझा नहीं। अभी कच्छों के ब्रांड है, हेयर ऑयल के ब्रांड है, 1000 ब्रांड्स है लाइफ में, तो अच्छा। इन स्ट्रीमर्स की पर्सनालिटी को देख के आपको क्या लगता है कि कौन से ब्रांड का एम्बेसडर इन स्ट्रीमर्स को बनना चाहिए? राका, अच्छा BSNL। व्हाई? इंटरनेट का बड़ा इशू रहता है उसकी लाइफ में। BSNL इंडिया, क्या BSNL चौका कनेक्टिंग इंडिया। बहुत इंटरनेट का इशू रहता है, आपको पता है फेमस डीसिंग वाला डायलॉग। यस बट अभी तो नहीं होता इंटरनेट, अभी तो उसका आई थिंक सही चल रहा है। अभी नहीं होता बट जब मैं बात हुई थी तो वो इंटरनेट कटिया मार के चलाता है, आपको पता है ये बात? नहीं नहीं, वो कटिया मार के इंटरनेट चलाता है। उसके घर में फाइबर का कनेक्शन है नहीं और वो कहीं से उसने कनेक्शन जुड़वाया हुआ है। ओ भाई साहब जुगाड़, मतलब फुल जुगाड़, फुल जुगाड़ है। हाइड्रा फ्लिक, फ्लिक, H&M, अच्छा मतलब मॉडल और क्लोथिंग और मॉडल फुल एकदम टच है ना, ये कपड़े पहन के एकदम मोस्ट एलिजिबल बैचलर इंडिया का स्ट्रीमर्स में। हां लोग एकदम उसको वही एकदम हैंडसम देखते हैं ना, टाइप का देखने आती है। ओके ओके नाइस। स्काउट, स्काउट लॉरियल हेयर, क्या लॉरियल जेल या फिर मेकअप, बाल बाल रंगने बड़ा शौक है ना। ओके लॉरियल, ओके कूल। रोबो, हार्पिक। तो जो जहर इतना है ना उसके अंदर, थोड़ा सा जहर और देना है मुझे। हार्पिक से मार दोगे, हार्पिक से मार दोगे। वो हार्पिक छिड़क देगा। मुझे लग रहा है ये हार्पिक बोल के आपने इनडायरेक्टली भी कुछ बोल दिया है, बट एनीवे। ओह माय गॉड, जीजी, ओह शिट। जाया, एंडूरा मास, पता नहीं आपको एंडूरा मास? एंडूरा मास सुना है मैंने, कौन सा सुना है मैंने एडवर्ट। एंडूरा मास क्या है? एंडूरा मास इज अ वेट गेन। अच्छा हाँ, वेट गेन वाला, ओके 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 ओके। जाया शुड पुट ऑन सम वेट, ओके बढ़िया। हाँ 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 हाँ, ओह माय गॉड मार तो उड़ जाएगा, ऐसी है वो। एंडूरा मास, इफ यू गाइस आर वाचिंग, कांटेक्ट जाया, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डायनामो। ब्लू स्टैक्स, ओके आई थिंक ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसके ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन मांगने की जरूरत नहीं है। ओके नाइस वन, वेरी वेल डन। ये क्वेश्चंस बहुत सही आंसर्स दिए आपने। ओके आई थिंक लास्ट के दो क्वेश्चंस, लास्ट क्वेश्चंस हमारा बचा हुआ है। स्मॉल स्ट्रीमर या फिर जो स्ट्रीमर उसके सब्सक्राइबर्स बहुत कम है बट आपको लगता है कि ही कैन मेक इट बिग इन कमिंग फ्यूचर, मतलब आप बोलते मैं इस पे पैसा लगाऊंगा, भाई ये बंदा लंबी रेस का घोड़ा है, गेम ट्रेंडिंग में रहो नहीं रहो ये बंदा अपना लेके जाएगा आगे, ये बढ़ेगा, भले स्लो स्लो जा रहा है बट ये बंदा भाई खतरनाक है, ये करेगा कुछ। जैसे दो तीन है, जैसे बताओ बताओ, दो तीन भी बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लड लाइन है, ओके अच्छा, टोस्टर रोस्टर है और मैकल है, सब मतलब है ना पैशन से कर रहे हैं और इनको मजा आता है अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट करने में, कंटेंट निकालने में, दे आर वेरी गुड। एंड हाँ द गेमर्स टॉयज है। ये अच्छा, ये आपने बोलना नहीं चाहिए था, लोगों को लगा कि ये स्क्रिप्टेड है, ये स्क्रिप्टेड नहीं है गाइस, ये स्क्रिप्टेड नहीं है। भाई जो बंदे को गेम के खिलौने से खेलने में इतना मजा आता है तो यू नो उसको भी बहुत सक्सेस मिलेगी आगे यार। ओके थैंक यू सो मच पाजी। इससे पहले वाला जो था वो, उसमें किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं, जस्ट अ फन। एग्जैक्टली गाइस, ये फन फन में ही है, ठीक है, इसमें बिल्कुल, और पाजी जो है वो हमारे फन मोड में है तो बिल्कुल इसके किसी को हर्ट करने के लिए पाजी ने ये कहा नहीं है, पाजी ने भी खुद यहाँ पे बोला है, तो इसको बस स्पोर्टिंगली लिया जाए, हंसी मजाक में लिया जाए इसको। तो ये हमारा था क्या बोलते हैं हम लोग, रैपिड फायर राउंड, और आपने बहुत अच्छा किया। सैडली अभी तो कोई गिफ्ट हैम्पर नहीं है हमारे पास पाजी ने, तो हम अभी के अभी आपको गिफ्ट हैम्पर दे देते हैं, बट क्या होगा, रेड बुल है गाइस, यस रेड बुल। सो चीयर्स एंड थैंक यू सो मच रेड बुल वंस अगेन कि इस स्ट्रीम को एनर्जाइज करने के लिए। तो पाजी दैट्स इट आई गेस, मुझे लग रहा है कि आपसे बातें करते करते कब 1.5 घंटा चला गया मुझे भी नहीं पता, और भी कुछ चीज़ें आपसे पूछनी थी मुझे, बट मुझे लग रहा है कि वो कभी फ्यूचर में, आई थिंक लग रहा है कि जब हम लोग 50th एपिसोड 100th एपिसोड सेलिब्रेट करेंगे तो पाजी फिर से एक बार आपसे बात करेंगे, तब तक आप मिलियंस में रहेंगे हमें उसकी गारंटी, और बड़े बड़े ब्रांड्स के आप एंडोर्स करोगे, इवन ब्रांड्स को लेकर भी हमें बात करनी थी बट वो नहीं हुआ क्योंकि यार कब टाइम निकला, सीरियसली बहुत मजा आया पाजी, बहुत मजा आया। तो थैंक यू सो मच गाइज, आई एम रियली सॉरी मैं आपके अभी क्वेश्चंस नहीं ले पाऊंगा क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ द टाइम, बट आई विल मेक श्योर कि जब नेक्स्ट टाइम फिर से हम पाजी के साथ बात करेंगे, मैं डिस्कॉर्ड पे जो मैंने कहा कि मेंबर्स ओनली जो बंदे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, रूबरू हो सकते हैं पाजी के साथ, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम पक्का करेंगे। तो पाजी आप जरा बताइए कि कैसे लगा आपको बातें करके हमारे साथ, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? इतना इनसाइट्स, इतना सब कुछ दिया है, मैं आई थिंक ऐसा होता नहीं है कि चैट में यू नो लोग ऐसे खुल के आपसे पूछते हैं और आप खुल के बता पाते हो, बट यहाँ पर जब ऐसा सेशन होता है और यू नो लोगों को आप इतना डीपली अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हो एंड अपने बारे में बता सकते हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो ऊपर से आपको जज करके चले जाते हैं, बट जब अंदर से आपको जानेंगे, आपको पहचानेंगे कि हाँ हाउ इज सिक वॉरियर एज अ स्ट्रीमर एज अ पर्सन, तो फिर उसके बाद उनकी अलग मेंटालिटी होती है, अलग चीजें होती हैं। मेरा जैसे वही बात है ना, जैसे कि वो वाली वीडियो देख के मान लो कंट्रोवर्सी वाली, लोगों ने अपने मन में जज कर लिया कि करेक्ट भाई ये तो बहुत बड़ा वो है, इसने बस कर दिया और इसको फेम चाहिए वो है। बट फिर वही बात है, जब लोग आएंगे 2-3 स्ट्रीम देखेंगे तब मे बी वो जान पाए। बेबी क्या पता जिन लोगों ने दिल में अभी भी गुस्सा रखा हुआ है, आज ये हमारा पॉडकास्ट देख के या चैट शो देख के शायद वो उनके दिल से वो निकल जाएगा और वो मे बी आपके स्ट्रीम पे फिर से आएंगे, हो सकता है, who knows। बट वही बात है कि वर्ल्ड बहुत बड़ी है, यहाँ पर मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्हों किसी भी बात पे कोई भी वो नहीं है नाराजगी, बट स्टिल यू नो गुस्सा रहता है, स्ट्रीम नहीं देखूंगा, नहीं ये कंटेंट क्रिएटर मेरे लिए नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं पाजी, आप कैसे भी हो हम सबके फेवरेट हो और हमेशा आप बहुत लोगों को इंस्पायर करते हो, और जो लोग ऑन स्ट्रीम देख के पाजी से इंस्पायर होते हैं, आई एम 100% श्योर कि आज का ये चैट शो देखने के बाद जो पाजी ने इनसाइट्स बताए हुए हैं, इससे और ज़्यादा लोग इंस्पायर होंगे और स्टडी और एजुकेशन का जो इंपॉर्टेंस है, जो आपने बताया डिप्रेशन को कैसे हैंडल करते हैं, टैकल करते हैं, सर्टेनली इन बातों से हमारे कम्युनिटी को बहुत हद तक फ़ायदा होगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच पाजी, और एक आखिरी बात कि आपने इतना हमें टाइम दिया और हमें एंटरटेन किया, इसके लिए द TGT फैमिली की तरफ से हम आपको 1000 रुपीज का जो है एक गिफ्ट वाउचर दे रहे, स्टीम वाउचर दे रहे। सो थैंक यू सो मच। अरे नहीं सर, आप तो मतलब मेहमान हो हमारे लिए, और एक छोटा सा एक बोला कि टोकन हमारे तरफ से थैंक यू TGT फैमिली की तरफ से, बहुत बहुत शुक्रिया पाजी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। एंड गाइस कैन वी हैव अ ह्यूज शाउट आउट इन द चैट फॉर द वन एंड ओनली इंडियाज वॉरियर सीख वॉरियर। लव यू पाजी, बेस्ट ऑफ लक, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ इतने सक्सेस के लिए और आने वाली जर्नी के लिए, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी आने वाली जर्नी हो वो बहुत ही खुशहाल रहे, आप बहुत जल्दी 1 मिलियन क्रॉस करो, हेल्दी रहो और ऐसे हम एंटरटेन करते रहो। थैंक यू सो मच पाजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइज, हमें ज्वाइन करने के लिए आज के इस पॉडकास्ट के सेकंड एपिसोड में बहुत मजा आया। हम ऐसे ही अगले एपिसोड में एक धमाकेदार और छाकड़ी माकड़ी स्ट्रीमर को लेके आएंगे। Till then, keep gaming and keep spelling guys, खेलते रहिए और हंसते रहिए, because you guys are seriously awesome. Thank you so much, bye-bye and see you later. One minute.